उसके अंदर ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी और ऐसी बहुत सारी माइक्रो बायोलॉजिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर हमारे जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी यानी कि एक जबरदस्त न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम हमारे इस प्रोडक्ट रेंज के अंदर कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम हमारे प्रोडक्ट का जो इफेक्टिवनेस है और अच्छी तरीके से कैसे बढ़ाएं उसकी इफिशियंसी। इसका इफिशियंसी मतलब क्या कि उसका जो प्रोडक्टिविटी है, उसका जो रिजल्ट है, जो प्रोडक्ट कम समय में यहाँ पर अच्छे रिजल्ट हमें दे, ऐसी जबरदस्त टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ये रिवैम्प जो है ये हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं। उसी के साथ देखो हमारे बायोफिट के प्रोडक्ट तो हम कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत जबरदस्त है, मार्केट में नंबर वन प्रोडक्ट है, लेकिन समय के साथ बदलना और समय के पहले ही अच्छे बदलाव करना ये नेटसब की हमेशा सोच रही है। इसलिए हमारे प्रोडक्ट्स जो है वो तो अच्छे है, लेकिन उसके अंदर और नए नए बेनिफिट्स, हमारे साइंटिस्ट नए नए उसके अंदर चीजें, नए इंग्रेडिएंट्स हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, न्यू फीचर्स हम ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्रोडक्ट है ये मार्केट में इतर दूसरे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनसे कई बेहतर रहे। इसके ऊपर हमारे जो साइंटिस्ट हैं ये रात दिन काम करते हैं। और उसी के साथ यहाँ पर कुछ जगह पर प्रोडक्ट्स के अंदर नए फीचर्स तो ऐड करना ही है, लेकिन अगर कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं कि शायद उसमें 19-20 रिजल्ट आ रहा है तो उस रिजल्ट को भी 100% कैसे लाए उसके ऊपर भी कंपनी ने यहाँ पर इस हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने काम किया है। इसका मतलब क्या है कि रिवैम्प हमने जो बॉटल्स आपको दिख रही है सिर्फ नई बॉटल नहीं है, ये बाहर से तो लुक एकदम रिफ्रेश्ड है लेकिन उसके कंटेंट जो है अंदर से भी हमने बहुत जबरदस्त तरीके से इसमें एनहांसमेंट हमने किया हुआ है। तो यहाँ पर मैं सबसे बड़ा थैंक्स देना चाहूंगा हमारे जो साइंटिस्ट टीम है, एक बहुत बड़ी साइंटिस्ट टीम है, कि जो रिसेंट टेक्नोलॉजी नैनो टेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर टेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी का एक जबरदस्त इस्तेमाल करके हमारे जो नए यंगेस्ट साइंटिस्ट है उन्होंने यहाँ पर एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज में एक बहुत बड़ा रिवैम्प एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाया है। तो मैं उनको भी यहाँ पर थैंक्स देना चाहूंगा कि जिसकी वजह से यहाँ पर 100% हम ये जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यानी कि भारत में लगभग 70% लोग खेती करते हैं और वहां पे हमारे ये जो प्रोडक्ट है ये ज्यादा से ज्यादा टर्नओवर रेवेन्यू जो है वहां से जनरेट कर सके, जिसकी वजह से हमारे डायरेक्ट सेलर का टर्नओवर बढ़ेगा, हमारे डायरेक्ट सेलर का इनकम बढ़ेगा, पे आउट बढ़ेगा। तो इसके लिए ये रिवैम्प किया गया है। तो अभी हम हमारी जो एग्रीकल्चर की जो रेंज है ये बायोफिट रेंज है उसको समझने के पहले हम थोड़ा इसके ऊपर भी हम यहाँ पर बात करने वाले, क्योंकि देखो थोड़ा सा बेसिक अगर समझ लेंगे तो मैं आपको कहता हूं कि आप आने वाले समय में आपको बायोफिट रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। मतलब कोई भी चीज का अगर आप बेसिक समझ लेते हो तो आपको आने वाले समय में उसमें कितने भी बदलाव किए गए, एडवांस टेक्नोलॉजी कितनी भी आ गई, नए प्रोडक्ट्स भी आ गए, तो शायद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम सभी लोगों को एक ही कहते हैं कि हमारे जो बायोफिट प्रोडक्ट है ये कैसे है, हमें ये कहते हैं कि ये हमारे प्रोडक्ट 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है ना। हम लोगों को कहते हैं कि हमारे ये प्रोडक्ट जो है ये जैविक प्रोडक्ट है। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या होता है, यानी कि ऑर्गेनिक का मतलब क्या है, जैविक का मतलब क्या है, हम सब लोगों को प्रमोट कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, जैविक प्रोडक्ट है, तो इसका मतलब हमें पहले समझना चाहिए। देखो ऑर्गेनिक जैविक इसका मतलब ऐसा होता है कि ये पूरे प्रोडक्ट्स नेचुरल तरीके से नेचुरल कंटेंट से बनाए गए हैं, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स 100% इको फ्रेंडली है। इसका मतलब ये हुआ कि 100% इको फ्रेंडली नेचुरल तरीके से बनाए गए यानी कि ये 100% इको फ्रेंडली है, मतलब इसको पर्यावरण को, मनुष्य को, हमारे वनस्पतियों को, हमारे प्राणियों को किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या फिर किसी भी प्रकार का दुष्परिणाम इस प्रोडक्ट के माध्यम से नहीं होगा। और ये प्रोडक्ट नेचुरल तरीके से नेचुरल सोर्स से बनाया गया है, इसके लिए इसको ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या फिर जैविक प्रोडक्ट कहते हैं। तो अभी नेटसब की फिलोसॉफी का अगर सबसे मेन स्तंभ अगर देखा जाए तो हमारा सबसे मेन स्तंभ यही है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट ले लो, अबजैन मोर प्रोडक्ट ले लो, हमारे नेचुरल मोर प्रोडक्ट रेंज ले लो, उसमें हमने 100% प्रोडक्ट ऑर्गेनिक हो, उसी की तरह इसमें आयुर्वेदिक
उसी के ऊपर हमारा सबसे बड़ा फोकस होता है। तो यहाँ पर हमारे एग्रीकल्चर के जो बायोफिट प्रोडक्ट रेंज है ये जैविक इसलिए कही जाती है क्योंकि ये पूरे प्रोडक्ट के जो कंटेंट है ये नेचुरल सोर्स से लिए जाते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं हमारी प्रोडक्ट रेंज के ऊपर, लेकिन प्रोडक्ट रेंज को समझने से पहले हमें थोड़ा सा बेसिक समझना बहुत जरूरी है। देखो ये जो सारा बेसिक है ये किसके, हम किसके लिए प्रोडक्ट रेंज किसके लिए बनाई है, हमारे फसल्स के लिए बनाई है। यानी कि कोई भी फसल है उसका जो बेसिक होता है ये एक ही तरीके का होता है। मतलब आप कोई भी फसल ले लो, वहां पर आप फ्रूट्स ले लो, वहां पर आप किसी भी सब्जी ले लो, आप कोई भी ऑर्गेनिक, आप किसी भी तरह के जो पॉली हाउस में प्रोडक्ट्स जो भी फसल होती है, सभी तरह की फसल का एक बेसिक होता है। तो बेसिक क्या होता है कि अगर हमने बेसिक समझ लिया कि भाई प्लांट जो है ये अपना खाना कैसे बनाता है। देखो जो हम हमारा खाना यानी कि मनुष्य हमारा खाना तो हम खुद नहीं बनाते, लेकिन जो प्लांट है वो कैसे अपना खाना बनाता है और उसके लिए उसको क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, ये अगर हमने थोड़ा बेसिक अगर समझ लिया तो मैं कहता हूँ आपको प्रोडक्ट रेंज ये समझने में बहुत आसानी जाएगी। सबसे ये क्लास फोर्थ का टॉपिक था फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण, हमने चौथी कक्षा में पढ़ा हुआ है ना, सभी लोगों को पता है। नहीं पता है तो आज हम थोड़ा सा दो मिनट में ये टॉपिक को समझ लेंगे। देखो अगर फसल को अगर अच्छी तरीके से ग्रो होना है, मैं एक चीज समझ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अच्छी तरीके से अगर ग्रो होना है तो उसे सबसे जरूरी होता है लाइट एनर्जी यानी कि सूर्य प्रकाश। दूसरी सबसे जरूरी चीज होती है उसे होता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी के साथ पानी यानी कि वाटर और जमीन के अंदर रहने वाले मिनरल्स। इन तीन चीजों की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है तब जाके प्रकाश संश्लेषण यानी कि पत्तों के माध्यम से कोई भी फसल अपना खुद का खाना बनाती है। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगर फसल को ग्रो होना है, फसल को और अच्छी तरीके से डेवलप होना है तो उसको क्या क्या चाहिए ये हम यहाँ पर देखेंगे। अगर इसको ये सारी चीजें अगर सही मात्रा में मिल गई तो इसका मतलब क्या है कि फसल बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी और उसमें से आने वाला जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत जबरदस्त रहेगा। तो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स क्या क्या है यानी कि प्लांट यानी कि हमारी फसल यानी कि हमारा क्रॉप उसको ग्रो होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है सनलाइट यानी कि सूर्य प्रकाश, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पानी यानी वाटर, तीसरा है एयर, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन के अंदर से और हवा के माध्यम से मिलने वाले मिनरल्स, और उसके बाद में आते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखो माइक्रो और मैक्रो ये दो तरीके के न्यूट्रिएंट्स, और उसके बाद सबसे जरूरी होता है प्लांट हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो स्टिमुलेंट्स। इन सारों की अगर सही मात्रा अगर फसल को मिल गई तो क्या हो जाएगा, हमारी जो फसल है बहुत अच्छी तरीके से ग्रो होगी और उसका जो प्रोडक्शन है बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। लेकिन अभी हम सनलाइट, वाटर, एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ये तो हमारे जो वातावरण है उसमें तो हम आर्टिफिशियली तो किसी भी प्लांट को नहीं दे सकते, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट क्या हम इस हमारे जो प्लांट से उसको दे सकते हैं क्या, ये उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम मेन टॉपिक्स के ऊपर आएंगे। अभी हमने एक चीज देख ली कि भाई खाना हमारा जो फसल है या फिर हमारे जो पौधे हैं खाना किस तरीके से बनाते हैं। दूसरी चीज हमने देख ली कि उसके लिए क्या क्या चीजें की जरूरत होती है। उसके बाद हमारी अभी हमने देख लिया कि फसल को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए। अभी हम देखते हैं कि फसल को ग्रोथ ना होने से यानी कि उसको प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है। अगर इसको हम अगर सही से समझ लेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें दोनों चीज में बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि हमारे प्रोडक्ट्स किन किन चीजों के ऊपर काम करते हैं। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्लांट न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, यानी कि अगर जो न्यूट्रिएंट्स मैं बात कर रहा था मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स और बायोस्टिमुलेंट अगर उसको सही मात्रा में नहीं मिले तो क्या हो जाता है, पौधा सूख जाता है, येलो हो जाता है यानी कि पीलापन पड़ जाता है, जो उसके पौधे होते हैं सूखने लग जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या किसानों को यहाँ पर होती है। दूसरा होता है इंसेक्ट और पेस्ट का अटैक। इंसेक्ट और पेस्ट कौन होते हैं, सकिंग पेस्ट मतलब एफिड्स हो गए, जैसिड्स हो गए, उसके बाद कैटरपिलर हो गई और उसके साथ बहुत सारे जो रूट्स होते हैं यानी कि बहुत सारे रूट्स के अंदर भी पेस्ट का अटैक होता है, तो ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। और तीसरा होता है डिसीज,
अभी डिसीज और इंसेक्ट पेस्ट, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या डिसीज अलग होता है इंसेक्ट अलग होता है। डिसीज एक बहुत अलग चीज होती है और इंसेक्ट अलग है। तो डिसीज किसकी वजह से होता है? एक होता है वायरस की वजह से, दूसरा होता है फंगस की वजह से, और तीसरा होता है बैक्टीरिया की वजह से। तो ये तीन अलग अलग कारणों की वजह से डिसीज यहाँ पर होते हैं, किसको? हमारी फसल को। और चौथी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारी फसल को, वो होता है ओवरडोज। ओवरडोज किसका? अगर पानी का ओवरडोज कर दिया, फर्टिलाइजर का ओवरडोज हो गया, केमिकल इंसेक्टिसाइड का ओवरडोज हो गया, तो हमारी फसल खराब हो सकती है। अभी यहां पर हम दो चीजें समझ ली कि फसल को क्या क्या चाहिए और किस किस वजह से फसल को प्रॉब्लम होती है। अगर हमने दो चीजों के ऊपर काम कर लिया कि अगर फसल को जो चीजें चाहिए वो सही टाइम पे सही मात्रा में अगर हमने दे दी, और जिन चीजों की वजह से फसल को प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम्स अगर हमने फसल को होने से बचा लिया, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फसल में से जो उत्पाद है बहुत अच्छी तरीके से आ सकता है। इसीलिए आज की तारीख में किसान का भी यही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आज की तारीख में किसान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो उत्पाद है यानी कि जो फसल है वो बहुत अच्छी नहीं आ रही है, यानी कि प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, और उसका जो खर्चा है, जो प्रॉब्लम है उसको कंट्रोल करने के लिए उसका खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर नेटसब ने जो यहाँ पर सॉल्यूशन लाया है, हमेशा नेटसब जो है ये प्रॉब्लम्स के ऊपर सॉल्यूशन लाता है, जितने भी प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर हमारे पास सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर हमारे पास सॉल्यूशन क्या है कि जो नेसेसरी इलेमेंट्स है जो प्लांट ग्रोथ होने के लिए, वो हम यहाँ पर देने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से, और हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हमारी फसल को बचाने का काम करेंगे, यानी कि जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं उनसे हमारी फसल को बचाने का काम यहाँ पर करेंगे। तो इस तरीके से हमारे प्रोडक्ट उत्पाद बढ़ाने में कैसे काम करेंगे और खर्चा कम करने में कैसे काम करेंगे, उसके ऊपर हम एक एक प्रोडक्ट के माध्यम से हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज और सबसे पहला प्रोडक्ट हमारे इस प्रोडक्ट रेंज का जो है स्टीम रिच, जो कि हमारा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट यहाँ पर स्टीम रिच है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं अभी स्टीम रिच में क्या बदलाव आया हुआ है और ये स्टीम रिच किस तरीके से काम करता है। अभी हम बहुत सारे लोग जब मार्केट में जाते हैं, ऑलरेडी आप बायोफिट प्रोडक्ट रेंज अगर आप सब लोग फास्ट ट्रैक मेंटेन कर रहे हैं, इसका मतलब आप अच्छा खासा टर्नओवर ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज के माध्यम से यहाँ से आप ला रहे हो, और ऑलरेडी बायोफिट प्रोडक्ट रेंज आप सेल कर रहे हो। आपको ऑलरेडी पता है, आप किसानों को ये बोलते हैं कि हमारा जो बायोफिट का जो स्टीम रिच है वो एक टॉनिक है, हम बहुत सारे इसी तरीके से हमारे स्टीम रिच का प्रमोशन करते हैं। लेकिन टॉनिक में भी बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमारा स्टीम रिच और मार्केट का जो टॉनिक होता है उसमें क्या अंतर है, किस तरीके से हमारा स्टीम रिच बेनिफिशियल है, उसके ऊपर हम यहाँ पर डिटेल बात करेंगे। अभी हमारा जो स्टीम रिच है वो यहाँ पर अगर देखा जाए जो रिवैम्प हुआ है उसके बाद, ये पीपीटी आप लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारे लोगों के पास पहुंच चुकी है, उसमें आपने दो चीजें देखी और मैंने भी आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि प्लांट को ग्रोथ होने के लिए सबसे जरूरी चीजों में एक चीज यहाँ पर आती है, प्लांट हार्मोन्स यानी कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो स्टिमुलेंट्स। ये प्लांट हार्मोन्स होते क्या है, जैसे कि हमारी बॉडी में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, मतलब मनुष्य की बॉडी में और स्त्री की बॉडी में बहुत अलग अलग तरीके के हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हैं, या फिर उसके जो बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं उसको उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन अभी फसल में भी हार्मोन्स होते हैं क्या? 100% फसल में भी हार्मोन्स रहते हैं, लेकिन ये जो हार्मोन्स रहते हैं हर फसल में ये पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते। एक चीज समझो, क्या हार्मोन्स जो होते हैं हर फसल में रहते हैं लेकिन वो पर्याप्त मात्रा में नहीं रहते, यानी कि कम मात्रा में रहते, जिसकी वजह से अगर हम ये हार्मोन्स हम उनको अगर बाहर से उस फसल को अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो फसल में क्या हो जाएगी, वो हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्टिविटी जो है ये बढ़ जाएगी। इसलिए हमारा जो नया स्टीम रिच आया है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज
ऐड की गई है, ये है अलग अलग तरीके के प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। देखो प्लांट हार्मोन्स को ही प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं, उसी के साथ बायो स्टिमुलेंट भी इसके अंदर ऐड किए गए। ये पीपीटी आपने पढ़ी होगी लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि यार प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होता क्या है, बायो स्टिमुलेंट होता क्या है। ये जो फसल होती है उसके अंदर बहुत कम मात्रा में हार्मोन्स लेते हैं, और ये हार्मोन्स अगर सही मात्रा में या फिर ज्यादा मात्रा में अगर फसल में अगर बढ़ गए तो क्या होता है, फसल की ग्रोथ ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको हार्मोन्स का देना चाहूंगा। बहुत सारे लोग जिम में जाते हैं तो स्टीरॉइड्स लेते हैं। अब ये स्टीरॉइड्स क्या करते हैं, हमारे हार्मोन्स को क्या करते हैं, उत्तेजित करने का काम करते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, वो जो जिम में जाने वाले लोग हैं उनकी बॉडी अचानक से ग्रो करने लग जाती है कम मात्रा में, ज्यादा मतलब कम टाइम में उनकी बॉडी जो है ज्यादा ग्रोथ पकड़ती है, मसल जो है उनके बन जाते हैं। उसी तरह के ये जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है, ये अगर हम फसल को बाहर से अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, फसल में एक जबरदस्त तरीके से ग्रो हो सकती है। उसी के साथ जो बायो स्टिमुलेंट है एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्या कि जो फसल की इम्यून सिस्टम होती है और जब स्ट्रेस कंडीशन होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम यानी कि रोग प्रतिकार क्षमता, ये वर्ड आपको अभी ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, आप बहुत अच्छी तरीके से इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे कुछ दिनों से, जिस दिन से यहाँ पर कोरोना आया है तो इम्यून सिस्टम क्या होती है ये हमें अच्छी तरीके से पता है। लेकिन स्ट्रेस रेजिस्टेंस मतलब पानी कम है या फिर पानी की लेवल ज्यादा हो गई जमीन के अंदर, तो उस टाइम पे ये जो फसल होती है स्ट्रेस में आ जाती है, तो उसमें भी हम यहाँ पर हमारे ऐसे कंटेंट डाले गए हैं बायो स्टिमुलेंट, जिसकी वजह से हमारा जो ये स्टिमरिच है यूनिक प्रोडक्ट बन चुका है और इसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त अभी आ रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में ही कहा कि हम हर व्यक्ति को ये टैगलाइन पता है कि स्टिमरिच इस्तेमाल करने से हमारी फसल का 15-40% तक हमारे उत्पाद में बढ़ोतरी होती है, ये हम हर एक किसान को बताते हैं। तो ये कैसे होते हैं ये भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग के पास क्वेश्चन आता है कि सर ये स्टीमरिच में क्या डाला है, क्योंकि बोतल के ऊपर तो लिखा नहीं है लेकिन इसके अंदर क्या डाला है हम ये थोड़ा बता सकते हैं क्या, तो 100% बता सकते हैं। तो इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के साथ साथ बायो स्टिमुलेंट्स जो है ये यहाँ पर ऐड किए गए। तो ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर और बायो स्टिमुलेंट होते क्या है और इसका रोल जो है ये किस तरीके से हमारा स्टिमरिच किस तरीके से फसल की हर एक अवस्था में ये रोल प्ले करता है। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स अगर देखा जाए तो साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और फ्लोरिजिन, ये अलग अलग फसल की अवस्था में ये काम करते हैं। इसके साथ बायो स्टिमुलेंट क्या है, ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि बैक्टीरिया, इसका एक यूनिक कॉम्बिनेशन बनाया गया है स्टिमरिच। तो अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सर स्टिमरिच के अंदर क्या कंटेंट है, बॉटल के ऊपर तो लिखे नहीं है क्योंकि हमारा ये ट्रेड सीक्रेट है, तो ये इस तरीके से कंटेंट हमने यूनिक कॉम्बिनेशन के साथ यहाँ पर डाले। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स बहुत जरूरी होते हैं फसल की हर एक अवस्था में उसकी ग्रोथ के लिए। तो यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि इसका इंपैक्ट क्या होता है। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बताया क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं कि क्या है एग्जैक्टली ह्यूमिक एसिड क्या होता है। अभी मार्केट का एक छोटा सा एग्जाम्पल बताऊंगा, स्टिमरिच मार्केट में बहुत सारे टॉनिक मिलते हैं, अभी उसमें आप अगर जाओगे तो पीजीआर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर मिलते हैं, किसी में सिर्फ साइटोकाइनिन मिलेगा, किसी में सिर्फ जिब्रेलिन मिलेगा, किसी में ह्यूमिक एसिड मिलेगा, किसी में सिर्फ फोलिक एसिड मिलेगा, लेकिन ये हर एक की प्राइस अलग अलग करके हमें यहाँ पर मार्केट में सेल किए जाते हैं। लेकिन हमारा जो स्टिमरिच है इन सारे का कॉम्बिनेशन है, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, फ्लोरेजिन ऐसे, और ये बायो स्टिमुलेंट का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन करके बनाया गया हुआ ये हमारा स्टिमरिच प्रोडक्ट है। अभी ये फसल के ये सारे जो ग्रोथ रेगुलेटर बायो स्टिमुलेंट हर एक फसल की अवस्था में कैसे कैसे काम करते हैं इसके ऊपर हम काम बात करेंगे। अभी हम किसी भी किसान को एक चीज सजेस्ट, देखो ये चीजें जो मैंने अभी तक बताई ये आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर बताई है, अगर कोई आपको एडिशनल पूछेगा तो आप इन चीजों के ऊपर बात कर सकते हैं। दूसरी, हम
हर एक किसान को एक सजेस्ट करते हैं कि आपको बीज उपचार यानी कि सीड जर्मिनेशन अगर अच्छी तरीके से करना है तो बीज उपचार करके कीजिए स्टीम रिज के साथ। तो उससे फायदा यह होता है कि अगर आपने बीज उपचार करके अगर आपने बोनी की है यानी कि आपने जो भी फसल जो भी जो बीज है वो जमीन के अंदर डाली है तो उसमें से 100 में से 60-70% का ही सीड का जर्मिनेशन होता है। लेकिन आपने उसका बीज उपचार किया है स्टीम रिज के साथ तो उसका जो जर्मिनेशन है आप यहाँ पर दूसरे साइड में देख सकते हैं तो 90-95% तक सीड का जर्मिनेशन होता है। ये तो हमें पता है लेकिन हम ये हर एक किसान को हम बताते हैं लेकिन टेक्निकली हमें पता है क्या ये कैसे होता है। अगर थोड़ा सा टेक्निक की बात अगर करेंगे तो मैं 2 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कैसे वर्कआउट होता है। देखो अगर स्टीम रिज के साथ बीज उपचार करते हैं तो 90-95% तक हो रहा है और स्टीम रिज के साथ बीज उपचार नहीं करेंगे तो सिर्फ 60-70% ही हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई बीज एग्जैक्टली होता कैसे। देखो बीज इस तरीके से होता है, ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने इमेज लिया है। इसमें एक एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है गर्भ। इसके अंदर जो बीज होती है इसके 3 मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है बाहर का कवरिंग और अंदर होता है फूड स्टोरेज। जो कोई भी बीज होता है ये लगभग 1 साल से 6 महीने तक ये पुराना होता है। मतलब कोई भी किसान को जो बीज मिलता है वो 1 साल 6 महीने 2 साल पुराना होता है और फिर वो हर फसल में हर तरीके से वो इस्तेमाल करता है। तो यहाँ पर जब हम बीज उपचार करते हैं तो यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट के अंदर क्या है, बहुत सारे प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स है। ये जब बीज 1 साल या 1.5 साल तक हम जब इसको स्टोर करते हैं तो ये बीज जो होती है ये डॉर्मेंट स्टेज में चली जाती है। अभी डॉर्मेंट स्टेज मतलब क्या, सुप्त अवस्था हमारी भाषा में अगर इसको कहेंगे तो ये कोमा में चली जाती है। यानी कि जीवित तो रहती है, ये जो गर्भ है ये जीवित तो रहता है क्योंकि इसके अंदर क्या है, बहुत सारा खाना है उसके ऊपर वो जीवित तो रहती है। लेकिन बहुत सारे बीज जो होती है ये कोमा में चली जाती है तो उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको जागरूक करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, कुछ हार्मोन्स की आवश्यकता होती है। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उस वक्त साइटोकाइनिन जो होता है, मैंने यहां पर बताया साइटोकाइनिन। ये क्या करता है, ये उस बीज को उत्तेजित करने का काम करता है और वहां पर जैसे उसको उत्तेजना मिलती है तो उसमें से 90-95% तक जब हम स्टीम रिज के साथ बीज उपचार करते हैं तो 90-95% तक यहाँ पर जो जर्मिनेशन है ये यहाँ पर होता है। तो पहला फायदा जो है ये यहाँ पर किसान को क्या मिलता है, लगभग 100 बीज के पीछे 20 से 25 जो सीडलिंग है यानी कि जो छोटे पौधे हैं वो ज्यादा मिलते हैं और यहाँ पर जो बीज का खर्चा है वो किसान का कम होता है। इसके पीछे का टेक्निकल ये यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश यहाँ पर की है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो बीज उपचार क्यों करना है, क्योंकि हमें इस तरीके से सीड को डॉर्मेंसी ब्रेक करनी है, उसको कोमा में से बाहर निकालना है तो स्टीम बीज के साथ इसका बीज उपचार हम कर सकते हैं तो 90-90% तक उसमें से जर्मिनेशन होता है। तीसरा दूसरा जो स्टीम रिज का सबसे इंपॉर्टेंट फायदा यहाँ पर हमने देखा है कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हम स्टार्टिंग के साइड पे यहाँ जाएंगे क्रल्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये जो होते हैं ये कहाँ से मिलेंगे, ये हमारी फसल को ग्रोथ होने के लिए बहुत जरूरी होते हैं लेकिन हमें ये कहाँ से मिलेंगे, ये हमें मिलते हैं जमीन में से। यानी कि जो फसल होती है उसको जमीन में से मिलते हैं लेकिन ये फसल को कौन देता है, ये ऑलरेडी हमने जमीन के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं लेकिन मिनरल्स होते हैं लेकिन फसल उसको नहीं उठा पाती जमीन में से। क्यों, क्योंकि बहुत सारी फसल जो होती है उसके अंदर सफेद जड़ों की संख्या बहुत कम होती है। अगर आप को एग्जांपल देखना है, आप खेत में जाओ और जो हेल्दी फसल है या फिर जो फसल दूसरे फसल से थोड़ी ज्यादा ऊंची हो गई है उसको आप खेत में से निकालो और उसकी जड़ें देखो तो वहां पर आपको सफेद जड़ों की संख्या ज्यादा दिखेगी। क्यों, क्योंकि सफेद जड़ों की संख्या अगर बढ़ती है तो क्या होता है, जमीन के अंदर जितने भी मिनरल्स मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको एब्सॉर्ब करने का काम कौन करता है, सफेद जड़ें करते हैं। तो हमारे स्टीम रिज के अंदर कुछ ऐसे कंटेंट है कि जो ये काम करते हैं, ऑक्सिन।
ऑक्सिन एक इस तरीके का कंटेंट है हमारे प्रोडक्ट का, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, जो ये काम करता है जो सफेद जड़ों की संख्या बढ़ाने का काम करता है। तो अगर सफेद जड़ों की संख्या अगर बढ़ गई तो क्या होगा, फसल जमीन में से ज्यादा न्यूट्रिएंट उठाएगी और किसको देगी, फसल को ऊपर देगी, तो जिसकी वजह से फसल की ग्रोथ होगी और फसल को सही मात्रा में न्यूट्रिशन, तो क्या होगा, पत्ते की साइज बढ़ती है, पत्ती में ग्रीनरी बढ़ती है, जिसकी वजह से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगा, प्रकाश संश्लेषण होगा, और क्या होगा, जो फसल जो है वो ज्यादा मात्रा में अपना खाना बना पाएगी और खाना ज्यादा बनाएगी तो उसकी ग्रोथ जो है ये ज्यादा होगी। एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक इसके पीछे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है ये अगर जैसे ही हमारी फसल 3 या 5 पत्ते की हो जाती, इसका मतलब 10 से 15 दिन की जब फसल होती है, तब अगर हम पहला छिड़काव स्टीमरेज का अगर करते हैं तो क्या होगा, सफेद जड़ों की संख्या जो है ये यहाँ पर हमारे फसल में यहाँ पर बढ़ती है, जिसकी वजह से जमीन में से जो न्यूट्रिशन है वो फसल आसानी के साथ यहाँ पर उठा सकती है। उसके साथ बहुत सारे बार क्या होता है कि हमारी फसल की जो ग्रोथ है कई बार जो है ये कम सी जाती है, क्योंकि उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ जितनी बढ़ेगी, यानी कि वेजिटेटिव ग्रोथ मतलब क्या, जो छोटी छोटी टहनियां हैं वो अगर ज्यादा से ज्यादा अगर उनको आनी है तो उसके लिए यहाँ पर उस वक्त सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट की, हार्मोन्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम एक दूसरा छिड़काव जो अगर हम करते हैं जब हमारी फसल ये लगभग 20 या 25 दिन की हो जाती है, तब अगर हम दूसरा छिड़काव करते हैं तो उस वक्त ग्रोथ जो है ये फसल की बहुत अच्छी तरीके से होती है और बर्ड फॉर्मेशन का जो स्टेज है ये बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर होता है। बर्ड फॉर्मेशन मतलब क्या, यानी कि कली लगने के लिए सही अवस्था वहां पर तैयार हो जाती है। और यहाँ पर अगर बहुत बार ये देखा गया है कि बहुत सारे किसान फूल लगने के समय पे छिड़काव नहीं करते, या फिर हम ये देखते हैं कि फूल तो बहुत, मतलब फसल तो बहुत अच्छी ग्रो हो जाती है, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ पर होता है, फसल ग्रोथ हो जाती है लेकिन उसको फूल भी आ जाते हैं, लेकिन फूलों का फलों में कन्वर्जन नहीं होता, या फिर फूल ही नहीं लगते, या फिर फूल लग गए तो उनका जो फ्लावर ड्रॉप है यानी कि फूल गिरने की जो प्रमाण है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो उस वक्त फसल को सबसे ज्यादा मात्रा में यहाँ पर न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, यानी कि उस वक्त ऑक्सिन नाम के एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर की बहुत बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर हम उस वक्त अगर स्टीमरेज का छिड़काव करते हैं तो फलों की और फूलों की लगने की संख्या बढ़ेगी, उसी के साथ यहाँ पर जो फूल है वो गिरना पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जहां पर अगर फूलों का गिरना अगर बंद होगा तो सबसे इंपॉर्टेंट फायदा क्या होगा कि वहां पर फूलों का फलों में कन्वर्जन यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से होता है, यानी और उसी के साथ जब फल जो है ये छोटी साइज में है उस वक्त अगर हम छिड़काव करते हैं तो सबसे बड़ा होता है कि उसमें दाने हैं बहुत अच्छी तरीके से भराते हैं। हमने कई बार ये देखा है कि फली तो लग जाती है, सेम जो है वो लग जाती है, लेकिन होता क्या है कि उसमें दाने नहीं भराते, या फिर अगर टमाटर की खेती ले लेते हैं तो साइज छोटी रह जाती है, बैंगन की सब्जी लेते हैं उसमें साइज छोटी रह जाती है। तो यहाँ पर साइज जो है वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़नी चाहिए, उसमें कलर बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। तो जब उसका फल धारणा की अवस्था है उस वक्त अगर स्टीमरेज का हम छिड़काव करते हैं तो उसकी साइज बढ़ेगी, उसका कलर बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगा, उसके अंदर दाने भराएंगे और उसका सबसे बड़ी उसकी जो सेल्फ लाइफ है ये भी बढ़ती, यानी कि उसकी जो टिकवन क्षमता है यानी कि स्टोरेज जो टाइमिंग है वो भी उसका बहुत अच्छी तरीके से बढ़ता है। यानी कि कुल अगर देखा जाए हम स्टीमरेज का इस्तेमाल बीज उपचार से लेके 3 छिड़काव कर सकते हैं। एक, हम हमारी फसल 10 से 15 दिन की होती है तब एक छिड़काव, फ्लावरिंग स्टेज में एक छिड़काव, और जब फल धारणा की स्टेज आती है तब एक छिड़काव। ऐसे 3 छिड़काव भी हम स्टीमरेज के करते हैं 15 लीटर के पंप में। हम 15 से 20 ml हम यहाँ पर अगर स्टीमरेज लेते हैं तो जबरदस्त हमें यहाँ पर रिजल्ट यहाँ पर मिल सकते हैं, यानी कि यहाँ पर हमने जो डोसेज दिया है 1 से 2 ml पर लीटर, 30 ml तक भी दिया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। और अभी जो हमारा स्टीमरीच है, ये नया जो स्टीमरीच है,
हम इसको जमीन में से भी दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बायो स्टिमुलेंट भी डाले हुए हैं और इसके अंदर हमने नए प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स भी डाले हैं, जो कि जमीन में जाके जो रूट्स होते हैं, जो हमारे फसल के जो पूरी तरीके से जो रूट्स होते हैं उसको भी डेवलप करने का, जड़ों को डेवलप करने का काम हमारे ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स यहाँ पर करते हैं। तो इसको हम छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। छिड़काव में प्रति पंप, यानी कि हम लीटर के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि जो पंप होता है ये 15 लीटर का भी और 20 लीटर का भी होता है, तो 1 से 2 ml पर लीटर, उसी के हिसाब से ये 2 एकड़ में हम ड्रिंचिंग के माध्यम से भी हम 1 लीटर जो हमारा स्टीम रिच है इसको दे सकते हैं। 1695 इसकी MRP है। हमें बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है मार्केट से। आप मुझे बताओ 1695 है ना, मार्केट का स्टीम रिच, मार्केट का कोई भी टॉनिक ले लो, हमारे इससे कंपेयर होगा ही नहीं। आप मेरे से अगर बात करेंगे, आप एक काम करो, ये जो स्लाइड है इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ये स्लाइड इसके जो कंटेंट है, ये कंटेंट वाला टॉनिक सभी वाला एक साथ लेके आओ, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, और मिलेगा भी तो बहुत अलग अलग जार आपको खरीदने पड़ेंगे और उसका कॉस्टिंग बहुत ज्यादा चले जाएगा। तो यहाँ पर हम अगर बात करते हैं तो हमारे जो पंप है 1 लीटर में लगभग 60 to 65 पंप यहाँ पर होते हैं, 60 पंप भी हम पकड़ते हैं तो लगभग 3 एकड़ तक हम हमारी फसल को यहाँ पर हम पहले से लेके आखिरी तक छिड़काव कर सकते हैं 1695। मार्केट का कंपेयर करते हैं तो 1 लीटर में ज्यादा से ज्यादा 25 से 30 पंप बनते हैं, और उसकी कॉस्टिंग आप निकाल लो कितनी पड़ती है, हमारे इससे लगभग डबल की कॉस्टिंग पड़ती है हमारे जो मार्केट के जो प्रोडक्ट ले रहे हैं उसमें और हमें बहुत अंतर है। हमारा प्रोडक्ट बहुत सस्ता पड़ता है एज कम्पेयर टू मार्केट। तो यहाँ पर हमारा स्टीम रिच जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पर खत्म होता है, और जो प्रोडक्ट है हम 3 छिड़काव इसके कर सकते हैं, और बड़ी फसल है तो इसमें ज्यादा छिड़काव भी आप कर सकते हैं। हमारा आगे का प्रोडक्ट है बायो 95। ये जो प्रोडक्ट है ये बायो 95 जो प्रोडक्ट है, इसको अगर हम बात करते हैं तो बहुत सारे लोग इसको चिपको कहते हैं, यानी कि मैंने बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर के साथ जब मैं बात करता हूं तो कहते हैं सर वो बायो 95 वहां चिपको। ये चिपको नहीं है, इसका कंपैरिजन चिपको के साथ मत करो, ये बहुत अलग तरीके का प्रोडक्ट है, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये एक तरीके का अभी जो नया रिवैम्प होके जो प्रोडक्ट आया है, ये सिलिकॉन बेस स्प्रेडर है, यानी कि सिलिकॉन बेस इसके अंदर डाला गया है। इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये बायो 95 प्रोडक्ट आप मार्केट के किसी भी केमिकल के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप अगर मार्केट के केमिकल का अगर बात करते हैं तो हम जो कोई भी दवा है ये पानी के अंदर मिक्स करते हैं। कोई भी केमिकल आप मार्केट से लाते हो, हमारा 15 लीटर का पंप होता है, उसके अंदर हम वो दवा डालते हैं और वो दवा हम छिड़कते हैं, लेकिन कई बार ये देखा गया है कि जो पानी का पीएच होता है ये कभी एसिडिक होता है, कभी अल्कलाइन होता है। तो कोई भी केमिकल जो होता है वो न्यूट्रल पानी में उसकी इफिशियंसी सबसे ज्यादा होती है। तो हमारा जो बायोफाइल है ये सिलिकॉन बेस होने के कारण ये थोड़ा बहुत जो पीएच है उसको बैलेंस करने का भी काम हमारा बायो 95 ये प्रोडक्ट करता है। पहला पीएच बैलेंस करने में भी उपयुक्त ठहरेगा क्या 100%। उसके बाद जो सरफेस टेंशन है, यानी कि केमिकल और पानी का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है, यानी कि जो पृष्ठीय जो तनाव होता है वो अलग अलग होने के कारण पानी और केमिकल पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है। आपने बहुत सारे डेमो किए हैं ऑलरेडी, गुजरात के लोग तो डेमो के ऊपर बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, उन्होंने तो बहुत सारे डेमो किए होते हैं। तो आपने ऑलरेडी डेमो आपने किया है कि आप कांच का ग्लास लेते हो, उसके अंदर पानी लेते हैं और पानी के अंदर आप तेल या पेट्रोल कुछ भी डालो मिक्स नहीं होगा, और आप उसमें 2 बूंद बायो 95 डाल दोगे तो क्या हो जाता है, पानी और केमिकल आपने देखा पानी और ऑयल मिक्स हो जाता है, पानी और ऑयल मिक्स हो जाता है बायो 95 डालने से। वैसे ही ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पानी और केमिकल को मिक्स करने का। मतलब दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बायो 95 का क्या है कि ये मिक्सिंग करने का काम करता है। क्यों? क्योंकि अगर पानी और केमिकल सही तरीके से मिक्स होगा तो क्या होगा,
यहाँ पर हमारे किसान भाई का केमिकल का खर्चा ये कम होगा, क्योंकि जब वो किसान छिड़काव करता है कुछ जगह पर केमिकल पड़ता है, कुछ जगह पर पानी गिरता है, वो पानी और केमिकल पूरी तरीके से मिक्स नहीं होता है, उसकी वजह से वहां पर पूरी तरीके से 100% रिजल्ट जो है किसान को देखने को नहीं मिलता। लेकिन पानी और केमिकल पूरी तरीके से मिक्स हो गया तो वहां पर जो भी केमिकल वो छिड़केगा तो उसका इफेक्टिवनेस इफिशियंसी यहाँ पर बढ़ता है। इसकी वजह से यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा बेनिफिट केमिकल और पानी को मिक्स करने का यहाँ पर हमारे बायोनाइट्रिफाइल के माध्यम से मिलता है। उसी के साथ ये स्टीकर का भी काम करता है और स्प्रेडर का भी काम करता है। मतलब कई बार ये देखा जाता है कि बारिश के मौसम में हम छिड़काव करते हैं और क्या हो जाता है, बारिश हो जाती है तो हमारा जो केमिकल है पूरी तरीके से धुल जाता है। अगर यहाँ पर 3 से 4 घंटे भी छिड़काव करने के बाद बारिश नहीं हुई तो हमारा जो केमिकल है उसका इफेक्टिवनेस बढ़ाने का काम जो है ये बायो95 करता है। उसी के साथ जो पत्ते होते हैं उसके ऊपर बहुत सारे छिद्र होते हैं, तो उस छिद्र के माध्यम से इस केमिकल को अंतरप्रवाही यानी कि फसल की पूरी तरीके से पूरी फसल पे फैलाने का काम भी ये बायो95 प्रोडक्ट करता है। और उसी के साथ सबसे इंपॉर्टेंट रोल, ये जो छिद्र होते हैं उसके ऊपर एक द्वारपाल होता है, यानी कि छिद्र खोलने चाहिए बंद कब होने चाहिए उसके लिए एक द्वारपाल होता है, उसका नाम होता है स्टोमेटा, जो कि दरवाजा खोलता है बंद करने का काम करता है, जिसको स्टोमेटा कहते हैं, जो कि इवापोरेशन यानी कि फसल में से बाष्पीभवन होने का जो रेट है उसको कंट्रोल करने का काम ये स्टोमेटा करता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये बायो95 बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करता है। यानी कि आप अगर देखेंगे तो ये स्टिकर का काम करता है, स्प्रेडर का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है, अंतर प्रवाही का काम करता है, और ये उसी के साथ पीएच को कई हद में बैलेंस करने का भी काम करता है पानी की पीएच को। तो आप देख सकते हैं कि बायो95 ये जो प्रोडक्ट है ये एक हमारा ऑलराउंडर प्रोडक्ट है। यानी कि मैं तो एक ही कहूंगा कि मार्केट में अगर कोई किसान नेटसब के बायोफिट के प्रोडक्ट नहीं यूज कर रहा है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसको आप कंपलसरी बायो95 ये प्रोडक्ट सेल करो। क्यों? क्योंकि ये ऐसा प्रोडक्ट है, ये मार्केट के कोई भी प्रोडक्ट के साथ चलेगा, उसका खर्चा कम करेगा, उसी के साथ यहाँ पर उसके प्रोडक्ट जो भी इस्तेमाल कर रहा है, केमिकल इस्तेमाल करो, फंगीसाइड इस्तेमाल करे, वो चारामार दवा इस्तेमाल करे, उसका इफेक्टिवनेस भी बढ़ाने का काम करेगा। मतलब किसान भाई जब जब पंप को हाथ लगाएगा तब तक उसको उस पंप में कितना एमएल डालना है, सिर्फ 5 ml बायो95 डालना है दोस्तों। ये अगर वो इस्तेमाल करेगा तो उसका फायदा बहुत होगा और यहाँ पर उसका केमिकल का जो खर्चा है ये 15 से 20% तक यहाँ पर कम हो सकता है। तो अब की बार आप अगर किसान आपकी बात अगर प्रोडक्ट वो बोलता है कि सर मुझे ऑर्गेनिक खेती नहीं करना, बहुत बार बोलते हैं भाई नहीं करना है तो कम से कम बायो95 तो इस्तेमाल कर, जो कि इसके केमिकल का खर्चा कम करेगा। यानी कि हम अगर कोई किसान के पास जाते हैं तो हम बायो95 बेच के ही आना है, जैसे कि हम करते हैं, हमारे अस्मिताएं करती है, हमारे सभी डायरेक्ट सेलर करते हैं। अगर उसने ज्वाइनिंग नहीं किया तो कम से कम उसको हमारा कुछ ना कुछ एक प्रोडक्ट को भी सेल करके आते हैं। तो वैसे हमारा बायो95 ये प्रोडक्ट जो है ये हम हर एक किसान को कंपलसरी सेल कर सकते हैं, किसी भी किसान को, भले वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करे नहीं करे, क्योंकि ये प्रोडक्ट सभी प्रोडक्ट्स के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, हमारे प्रोडक्ट्स के साथ साथ भी और मार्केट के हर एक केमिकल के साथ इसका इस्तेमाल करना है। लेकिन इसको 15 लीटर के पंप में सिर्फ 5 ml इस्तेमाल करना है और इसको मात्र छिड़काव में ही इस्तेमाल करना है। तो ये हमारा बायो95 प्रोडक्ट है। इसके जो यहाँ पर आप पीपीटी में देख रहे हैं कि नॉर्मल स्प्रे में कैसे वहां पर बूंद बूंद दिख रही है जो कि फसल के ऊपर पत्ते के ऊपर गिरने के बाद, लेकिन यहाँ पर बायो95 का अगर इस्तेमाल किया है तो पूरी तरीके से फसल के ऊपर यहाँ पर फैला हुआ आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे दो प्रोडक्ट खत्म होते हैं, एक होता है बायो95 और एक होता है स्टिमरिज। तो आप बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर बायो95 स्टिमरिज साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? 100% कर सकते हैं। बायो95 जो है ये स्टिमरिज का इफेक्टिवनेस बढ़ाने में मदद करेगा। ये हो गए हमारे दो प्रोडक्ट। अभी हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक के ऊपर आते हैं। उसके पहले हम फिर से पहले पीपीटी के ऊपर, पहले स्लाइड के ऊपर जाते हैं, जिसमें मैंने कहा था कि मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की
बहुत आवश्यकता होती है फसल को ग्रो होने में, है ना। हमने अभी तक देख लिया कि हम फसल को प्लांट हार्मोन्स तो दे रहे हैं, किसके माध्यम से, स्टीम रिज के माध्यम से, बराबर, और कुछ हद तक बायो स्टिमुलेंट्स भी दे रहे हैं, किसके माध्यम से, स्टीम रिज के माध्यम से, ठीक है। तो अभी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है, मिनरल्स क्या होते हैं वो देखते हैं, और क्या हम नेटिसब के प्रोडक्ट के माध्यम से ये हम फसल को दे सकते हैं क्या, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। फिर हमारा जो दो प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो प्लांट न्यूट्रिएंट, अभी प्लांट को दो तरीके की न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। कौन से दो न्यूट्रिशन होते हैं? एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट। देखो ये एडिशनल नॉलेज है, शायद कुछ लोगों को बोर हो रहा होगा, लेकिन मेरा काम है मैं आपको बताऊंगा। जो लोग इसको अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो मुझे लगता है कि आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट को बहुत अच्छी तरीके से कंपेयर कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट के साथ। इसलिए मैं आपको कुछ ये एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। प्लांट न्यूट्रिएंट क्या होता है? देखो फसल को ग्रो होने के लिए कुछ मैक्रो मतलब मेजर यानी कि पूरी तरीके से महत्वपूर्ण, और माइक्रो मतलब कम मात्रा में लगने वाले न्यूट्रिएंट कौन से, आयन है, मैग्नेस है, बोरॉन है, जिंक है, कॉपर है, क्लोरीन है, निकेल है, मॉलिब्डेनम है। मैक्रो न्यूट्रिएंट एनपीके, जो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है, एन मतलब नाइट्रोजन, के मतलब पोटेशियम, पी मतलब फॉस्फरस, एनपीके। ये एनपीके ये बहुत बड़ी मात्रा में फसल को ग्रो होने के लिए लगता है। अगर ये फसल को नहीं मिलेंगे तो फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसलिए हमारे किसान भाई क्या करते हैं, किसान भाई मार्केट में जाते हैं, आपको अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं, बोरी, केमिकल की बोरी है, उसके ऊपर लिखा रहता है एनपीके और उसमें रेशो लिखा होता है 10:26:26, 10:26:26 ऐसा उसके ऊपर लिखा रहता है, 18:18:10, 18:18 ऐसा 0:0:32 ऐसा अलग अलग उसके ऊपर लिखा रहता है, वो रहता है एनपीके का रेशो, यानी कि उस बोरी के ऊपर एनपीके का रेशो होता है। और ये हमारे किसान भाई ये हमारे जमीन में क्यों डालते हैं, क्योंकि हमारे जमीन में ये न्यूट्रिएंट पहले भी थे, ये न्यूट्रिएंट हमारे जमीन में पहले भी थे, लेकिन जब से हरित क्रांति हुई उस वक्त से क्या बोला गया था कि उत्पाद बढ़ाने के लिए हम कुछ एडिशनल न्यूट्रिएंट जमीन में डाल सकते हैं क्या, तो उसके माध्यम से हम ज्यादा पैदावार बढ़ा सकते हैं। तो इसके वजह से हमारे किसान भाइयों ने यूरिया, डीएपी ऐसे बहुत सारे केमिकल खाद का इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में बाहर से देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से फायदा तो हुआ, हमारा उत्पाद तो बढ़ा, लेकिन अभी क्या हुआ, देखो कोई भी चीज का अगर जो उपयोग होता है वो प्रमाण से ज्यादा मात्रा में हुआ तो क्या होता है, वहां पर साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो वैसे ही आप छोटा सा एग्जांपल ले लो, यूरिया की बोरी आपने देखी 46% नाइट्रोजन, आपने क्लियर कट देखा होगा कि 46% उसमें नाइट्रोजन है। मतलब क्या, जब आपके खेत में 1 क्विंटल यानी कि 100 kg यूरिया डालोगे, मतलब लगभग 2 बोरी यूरिया डालोगे, तब जाके 46 kg उसमें से N मतलब नाइट्रोजन मिलेगा। तो बाकी का 54 kg है वो क्या है, वो इस तरीके का मटेरियल है जो कि आपको फसल को किसी भी तरह की उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम 1 बोरी से समाधान नहीं करते, हम वहां पर हमारे बाजू वाला 2 डाल रहा है तो हम 4 डालते हैं, वो 4 डाल रहा है तो 5 डालते हैं, हमारे किसान भाई इसी तरीके से करते हैं, जिसकी वजह से क्या हुआ है, हमारी जमीन जो है दिन ब दिन खराब होते जा रही है। देखो जमीन को इन सारी चीजों की आवश्यकता है, अभी हम जिस तरीके से केमिकल खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी वजह से हमारा जो जमीन है ये दिन ब दिन हार्ड होते जा रहा है। उसके अंदर ये जो न्यूट्रिएंट है ये नेचुरल तरीके से बनते थे। एक चीज समझो, आज भी पहाड़ में आप चले जाओ, जंगल में चले जाओ, ये न्यूट्रिएंट आप वहां की सॉइल टेस्टिंग कर लो, वहां पर बहुत अच्छी तरीके से ये सारे न्यूट्रिएंट मिलेंगे, लेकिन हमारी जमीन के अंदर नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि हमने वो पूरी तरीके से खत्म कर दिए, और केमिकल की वजह से क्या हुआ है कि हमारी जमीन के अंदर ऐसे बहुत सारे मित्र कीटक थे, केचुए थे, उनको हमने क्या कर दिया है
केमिकल की वजह से उन सबको हमने खत्म कर दिया है, जिसकी वजह से हमारी जमीन के अंदर ये मैक्रो और माइक्रोन्यूट्रिएंट का प्रमाण दिन ब दिन कम होते जा रहा है। और मैं हम आपको आप कोई भी किसान को एक क्वेश्चन पूछो कि आप एक काम करो, इस साल आप कोई भी केमिकल खाद आपके खेत में नहीं डालोगे और आपका उत्पाद कितना आएगा, वो पूछ लो उसको, वो क्या आंसर देता है, वो एक ही आंसर देगा कि कुछ भी नहीं आएगा, जीरो आएगा, जीरो। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पर हमने हमारी जमीन को आदत डाल दी है। तो अभी किसान इसमें से बाहर निकल सकता है क्या? 100% निकल सकता है। तो अभी तक हमारा किसान भाई, देखो आप किसान को ये समझाओ कि भाई तुम्हारी जमीन कितनी खराब हो रही है, ऑलरेडी हम समझाते ही है, और यहां से उसको सॉल्यूशन क्या है, इसमें से बाहर निकलने का सॉल्यूशन क्या है। तो यहां पर नेटसप ने जो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर NPK ये जो लाया हुआ है, एक जबरदस्त यहाँ पर एक नया विकल्प, एक नई टेक्नोलॉजी का एक नया विकल्प यहाँ पर नेटसप ने किसानों के लिए दिया हुआ है। तो अभी बहुत सारे लोग मुझे क्वेश्चन पूछते हैं और आपको भी पूछते होंगे कि सर NPK में फिर ये 10, 26, 26 कितना होता है, या फिर ये जो क्या बोलते हैं इसको, इसमें 10N में कितना है, P में कितना है, K में कितना है, सब पूछते हैं। इसमें किसी भी तरह का NPK में कोई भी रेशो नहीं है, ये कोई खाद नहीं है, ये बायो फर्टिलाइजर है। और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर जीवित बैक्टीरिया है। क्या है? बैक्टीरिया है। आप बोलेंगे सर ये तो लिक्विड है लेकिन ये बैक्टीरिया कैसे है? देखो ये जो बॉटल है इसके अंदर क्या है, मैं आज आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इसके अंदर इस तरीके के बैक्टीरिया है, ये अजोटोबैक्टर है, जो कि N, जो हमारा नाइट्रोजन यानी कि N है, उसके अंदर ये अजोटोबैक्टर है। अभी इसके अंदर, इस बॉटल के अंदर कुछ लिक्विड भी है और उस लिक्विड में ये बैक्टीरिया है। अभी वो लिक्विड क्या है, वो लिक्विड इस बैक्टीरिया का खाद है जिसके ऊपर वो जीवित रहता है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है इसका जो रेशो है, इसका जो रेशो है यानी कि जो अजोटोबैक्टर है, N में क्या है, अजोटोबैक्टर, P में क्या है, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, K में क्या है, पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इस तरीके के अलग अलग बैक्टीरिया जो कि हमारे जमीन के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट को अवेलेबल कर देने का काम ये बैक्टीरिया करते हैं। तो अभी ये जो बैक्टीरिया है ये क्या काम करते हैं, किस तरीके से इसका फायदा होगा, उसके पहले हम जाते हैं कि ये बैक्टीरिया का प्रमाण कितना है। तो ये जो लिक्विड आप देखते हो वो अगर 1 ml लिक्विड लोगे, कितना, 1 ml, तो 1 ml लिक्विड में 10^12 CFU है। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये CFU क्या है, ये होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स, मतलब कि ये ऐसे बैक्टीरिया कि जो पूरी कॉलोनी बना सकते हैं, मतलब ये बैक्टीरिया से एक बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये पूरी कॉलोनी पैदा करता है, मतलब इसमें बहुत ताकत होती है मल्टीप्लिकेशन की। तो यहां पर 1 ml में लगभग 10^12 पर ml इतने कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट्स होते हैं, वो भी जीवित। अभी बहुत सारे लोग कंपेयर करते हैं मार्केट के NPK और हमारे NPK, बराबर। अभी मार्केट का NPK में आप देख लो कि उसका जो पर ml का CFU रेशो है वो कितना है, आप चेक करो। दूसरी चीज, उसके अंदर कॉन्टेमिनेशन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका मतलब क्या, उसके अंदर अजोटोबैक्टर के साथ साथ दूसरे बैक्टीरिया भी बहुत सारे मिक्स होते हैं जो कि इस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं। इसलिए जो उसकी प्योरिटी होती है वो हमारे नेटसप के प्रोडक्ट के बराबर उतनी प्योरिटी नहीं होती है। तो यहां पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें 10^12 पर ml CFU इतना काउंट होता है। तो अभी ये क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये N के बैक्टीरिया, अजोटोबैक्टर, फास्फोरस सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, पोटास सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, जमीन के अंदर जाके जो फसल होती है उसको जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब NPK जो जमीन में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पड़े होते हैं, जो फसल यानी कि जो हमारी सफेद जड़े आसानी के साथ उठा नहीं सकती, उनको ये आसानी के साथ अवेलेबल कर देता है उन सफेद जड़ों को, ताकि ये जमीन के अंदर से ये सारा न्यूट्रिशन उठा के
किसको देता है, फसल को देने का काम ये सफेद जड़े करते हैं। यानी कि हमारी बैक्टीरिया जमीन के अंदर जाके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी की संख्या भी बढ़ाता है, उसी के साथ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबिलिटी भी बढ़ाता है, और जो जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो मित्र कीटक है, उसी के साथ जो बैक्टीरिया है उनका जो काउंट है उसको पनपने के लिए फेवरेबल कंडीशन भी बना। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जमीन की प्रोडक्टिविटी यहाँ पर बढ़ती है, हमारा जो खाद का खर्चा है वो भी कम यहाँ पर होता है, और हमारी जो जमीन है वो ढीली ढाली होती जाती है। और अगर कोई भी किसान लगातार 3 से 4 साल लगातार एनपीके उसके जमीन के अंदर से अगर इस्तेमाल कर रहा है तो उसको उसके खेत में 4 साल के बाद मार्केट से कोई भी यूरिया डीएपी डालने की जरूरत नहीं, पूरी तरीके से खाद फ्री जमीन वो कर सकता है, केमिकल का एक दाना डालने की जरूरत नहीं। लेकिन किसान बोलते हैं ठीक है चलो सर इसी साल से करना हम बंद कर देंगे कि केमिकल खाद नहीं डालेंगे, ऐसा नहीं करना है। हमें पहले साल कितना 10% केमिकल कम करना है, कितना पहले साल 10%। कुछ लोग क्या करते हैं डायरेक्ट आधा कर देते 50%, ऐसा मत करो, जिसकी वजह से शायद अभी हमारे बहुत सारे डायरेक्ट सेलर क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर क्या करते हैं, किसान को बोल देते हैं कि भाई इस साल तुमको आधा ही केमिकल खाद डालना है, ऐसा मत करो। पहले साल 10% कम करो, दूसरे साल 20 से 25% तक कम करो, तीसरे साल 50% तक, और चौथे साल 75% तक आप केमिकल धीरे 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 कम करते जाओ, और हमारा जो बायो जो हमारा एनपीके है उसको आप जमीन में से देते रहो। तो जिसकी वजह से क्या होगा, केमिकल धीरे धीरे कम करते जाओ उसका रेशो, और हमारे प्रोडक्ट का रेशो धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, जिसकी वजह से आपका जो केमिकल का खर्चा भी कम होगा और आपकी जमीन पहले जैसी पूरी तरीके से ढीली ढाली हो जाएगी, पूरी तरीके से यहाँ पर हमारी जो जमीन है ये अच्छी तरीके से उपजाऊ जमीन जो है ये बन सकती है, पहले जैसा उत्पाद इसमें से निकल सकता है। तो यहाँ पर ये इस चीज का हमें ध्यान रखना है। और अगर कोई किसान अगर केमिकल खाद दिया है तो 8 दिन का 7 दिन का अंतर इसमें रखो, उसके बाद केमिकल हमारा जो एनपीके है उसका डोसेज दो। हर फसल में आप 1 या 2 डोसेज भी दिए, यानी कि हमारी फसल मैंने जब बताया स्टार्टिंग में हमारी फसल अगर 15 से 20 दिन की होती है तब एक डोज दे सकते हैं, या फिर फ्लावरिंग स्टेज के वक्त एक डोज इसका दे सकते हैं। ऐसे 2 डोसेस जो जमीन के अंदर से हम यहाँ पर दे सकते हैं। 1 लीटर जो होता है, एक जो हमारा जो स्टीम रिच है वो अगर हमें ड्रिंचिंग के माध्यम से ही इसका देना है, इसको हमें एनपीके को छिड़काव में इस्तेमाल नहीं करना है, हम इसको छिड़काव के लिए रिकमेंड नहीं करते, इसको हमें जमीन के अंदर से ही देना है। हमारी 1 लीटर की बोतल लगभग 2 एकड़ के लिए पर्याप्त है, लेकिन कई जगह पर गुजरात में यहाँ पर बहुत बड़ी अगर फसल होती है, केला होता है या फिर जो बड़ी बड़ी फसल होती है उसमें शायद इसका जो रेशो होता है ये कम ज्यादा हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 1 एकड़ में ही 1 लीटर लग जाता है। तो यहाँ पर एनपीके दोनों को मिक्स करके हम यहाँ पर दे सकते हैं। तो हमारा एनपीके जो है ये कोई खाद नहीं है, ये बायो फर्टिलाइजर है, और आप अगर गवर्नमेंट की कोई भी वेबसाइट पे चले जाओ तो उनका भी यही मानना है कि अगर कोई किसान बायो फर्टिलाइजर लगातार 3 से 4 साल इस्तेमाल करता है तो उसका जो केमिकल का खर्चा ये दिन ब दिन कम होते जाएगा और ऑर्गेनिक खेती की तरफ वो बढ़ते जाएगा, ऐसा गवर्नमेंट का भी मानना है। इसलिए गवर्नमेंट भी बायो फर्टिलाइजर को बहुत बड़ी मात्रा में इसका अवेयरनेस यहाँ पर बढ़ा रही है। तो एनपीके एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसकी वजह से हम हमारी जमीन को पहले जैसी यहाँ पर उसकी प्रोडक्टिविटी हम बढ़ा सकते हैं। तो ये हुआ हमारा एनपीके, ये बैक्टीरिया का फोटो हमने ऑलरेडी देखा है। उसके बाद हम आते हैं शेड। अभी हमारा ये जो शेड है, ये पहला जो अभी आपके पास शेड है उसके और इसके कंटेंट में बहुत बड़ा फर्क आएगा। ये जो नया शेड आपके, ये पुराना जो शेड अभी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, शेड मतलब सॉइल हेल्थ एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, मतलब जमीन की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने वाला ये प्रोडक्ट, इसका आप अगर इसकी अगर बात करते हैं तो ये अभी जो प्रोडक्ट है और पहला प्रोडक्ट, ये जो नया प्रोडक्ट आ रहा है इसमें तो बहुत जबरदस्त यहाँ पर हमारे हमको उसके अंदर कंटेंट आपको देखेंगे।
इसके अंदर दो तरीके के अलग अलग कंटेंट का इस्तेमाल किया गया है। एक इसके अंदर बायो स्टिमुलेंट, जो मैंने आपको बताया कि फसल को ग्रो होने के लिए बायो स्टिमुलेंट की भी आवश्यकता होती है। और बायो स्टिमुलेंट कौन से है, बायो स्टिमुलेंट रिवाइज कर लेते हैं। बायो स्टिमुलेंट क्या क्या है, ह्यूमिक एसिड, सीवीड एक्सट्रैक्ट, फोलिक एसिड, एंजाइम, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये बायो स्टिमुलेंट है। लेकिन ये फसल में होते हैं, हर एक फसल में होते हैं, लेकिन उनकी मात्रा जो होती है बहुत कम होती है। अगर इसकी मात्रा अगर हम फसल में ज्यादा बढ़ा देंगे तो क्या होगा, ये हमारी जो फसल है बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रो करेगी। तो हमने इसके अंदर क्या डाला है, बायो स्टिमुलेंट्स तो डाले हैं, लेकिन इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया भी है, यानी कि इसके अंदर कुछ बैक्टीरियल काउंट है। मतलब बैक्टीरिया के साथ साथ बायो स्टिमुलेंट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन, ऐसा प्रोडक्ट आपको मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। यानी कि ये दो काम कर रहा है, ये दो काम कर रहा है, क्या कि फसल को बायो स्टिमुलेंट यानी कि यहाँ पर इससे एंजाइम भी मिलेंगे, इसके माध्यम से इसको प्रोटीन भी मिलेगा, उसके साथ इसके अंदर के जो बैक्टीरिया है ये जमीन के अंदर जाके फसल को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आयरन, मैग्नेस, बोरॉन, जिंक, कॉपर, इनको भी अवेलेबल कर देने का काम करेगा। मतलब हमारी फसल को ग्रो करने के लिए जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मैक्रो न्यूट्रिएंट कहां से मिल जाएंगे, हमारे एनपीके के बैक्टीरिया दे देंगे, और माइक्रो न्यूट्रिएंट कहां से मिल जाएंगे, ये हमारे शेद के बैक्टीरिया दे देंगे। यानी कि हमारी फसल को ग्रो होने के लिए जो जो चीजें चाहिए वो हमारे प्रोडक्ट के माध्यम से हम पूरी तरीके से देने की कोशिश करेंगे, नेचुरल तरीके से अवेलेबल कर देने की कोशिश हमारे शेद इस प्रोडक्ट के माध्यम से क्या होगा, बायो स्टिमुलेंट के साथ साथ इसके अंदर बैक्टीरिया है जो कि फसल की ग्रोथ तो बहुत अच्छी तरीके से होगी। और बायो स्टिमुलेंट और एक चीज काम करता है, क्या जो हमारी फसल होती है उसको अबायोटिक स्ट्रेस, यानी कि पानी ज्यादा हो गया, सूर्य प्रकाश ज्यादा हो गया, पानी कम हो गया, इससे उसके अंदर उसका जो स्ट्रेस है वो सहन करने की क्षमता भी बढ़ाएगा हमारा शेत ये प्रोडक्ट। उसी के साथ ये प्रोडक्ट उस हमारी जो फसल है उसकी इम्यून सिस्टम भी बढ़ाने का पूरी तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे शेत के बहुत सारे अलग अलग यहाँ पर बेनिफिट्स मिलेंगे। उसी के साथ हमारी जो जमीन है उसकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को भी इम्प्रूव करेगा। अभी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या कि फसल जो हमारी जमीन है उसके अंदर एरिएशन हो रहा है क्या, वो जमीन जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ढीला ढाला हो रहा है क्या, उसको कहते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। वो जमीन कितनी मुलायम है, कितनी उसके अंदर कितने आसानी के साथ जो हम फसल लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से उसमें से जो न्यूट्रिएंट है वो आसानी के साथ एब्सॉर्ब कर पा रही कि नहीं कर रही, ये फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर आता है। बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की संख्या कितनी है, इसके अंदर मित्र कीटक की संख्या कितनी है, इसके अंदर केचुओं की संख्या कितनी है, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी के अंदर जाता है। केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर इसके अंदर जो बेनिफिशियल केमिकल्स है वो इस जो सॉइल है इसके अंदर कितने हैं, तो ये जो सुधारने की अवस्था है इसको भी काम करता है ये शेत नाम का हमारा प्रोडक्ट। और उसी के साथ मैंने कहा कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अवेलेबल कर देने का काम इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो करते हैं। यानी कि हमारे फसल हमारे जो किसान भाई है ये क्या करते हैं, मार्केट में दो तरह की बोरी लाते, एक यूरिया डीएपी लाते, उसके साथ हरी नीली पीली भी बोरिया लाते, जिसके अंदर हमारा किसान भाई को वो जो दुकानदार है वो क्या कहता है कि साहब आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी बोरी लेके जानी पड़ेगी जो हमारी फसल को जरूरी है। तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देने वाले फसल को, तो इस तरीके के बैक्टीरिया जो है ये शेत के अंदर हमने डाले हुए। तो शेत एक जबरदस्त फॉर्मुलेशन के साथ जबरदस्त प्रोडक्ट, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट इस प्रोडक्ट के माध्यम से आपको आने वाले समय में मिलेंगे। तो इसको हम छिड़काव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, और इसको ड्रिप के माध्यम से भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लगभग हमारा जो ये शेत है ये लगभग कुछ जगह पर एक एकड़ में एक लीटर इस्तेमाल होता है, कुछ जगह पर दो एकड़ में एक लीटर इस्तेमाल होता है, और हमारा 15 लीटर के 1 ml में लगभग 1 से 2 ml जो है 15 से 20, 25, 30 ml तक
आप जो है इस शेप का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्टैंडर्ड 15 से 20 ml है, 15 से 20 ml में भी बेहतर रिजल्ट यहाँ पर हमें शेप के मिलते हैं। उसी के साथ ये हमारे जो दो प्रोडक्ट है ये क्या काम कर रहे हैं, आप देखो ये जमीन सुधारने का काम कर रहा है, मिट्टी सुधारने का काम कर रहा है, फसल को मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट अवेलेबल कर देने का काम कर रहा है। और हमारा जो स्टीमरिच और बायो95 ये प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, जो फसल की जो बाहर की ग्रोथ है उसको बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ हम अभी जो हमारा नेक्स्ट प्रोडक्ट है उसके ऊपर आते हैं, इंटैक्ट। अभी हमारी जो फसल है, हमने अभी तक जो बात कर रहे थे हम इसके ऊपर बात कर रहे थे, इसके ऊपर हमने अभी तक इस टाइप के प्रोडक्ट, देखो सनलाइट ये तो नेचुरल तरीके से मिलेगा, वाटर हम तो देते ही है, हवा जो नेचुरल तरीके से मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड नेचुरल तरीके से मिलता है, मिनरल्स माइक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, प्लांट हार्मोन्स मतलब प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स और बायो स्टिमुलेंट, ये हम हमारे स्टीमरिच बायो 95 शेप और एनपीके के माध्यम से हमारी फसल को दे रहे हैं। अगर ये सही मात्रा में सही टाइम पे अगर हम हमारे फसल को देते हैं, हमारे किसान भाई को हम सजेस्ट करते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूं 100% उसका 20 से 40% उत्पाद जो है ये गारंटेड बढ़ता है। ऐसा हम क्यों कहते हैं, क्योंकि हम पूरी तरीके से प्रैक्टिकल तरीके से हम इसके ऊपर हमारे साइंटिस्ट जो है ये काम करते हैं, उस तरीके से ये प्रोडक्ट हमने बनाए हुए हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि हमारी फसल को जो प्रॉब्लम है ये कहां से हो सकते हैं, एक होता है डिजीज और दूसरा होता है इंसेक्ट और पेस्ट से, ठीक है। तो ओवर डोज जो है वो तो किसान के हाथ में, ओवर डोज देना नहीं देना, उसके साथ जो हम डिजीज और जो इंसेक्ट और पेस्ट है उसके ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो जो इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट होते हैं ये अलग अलग तरीके के होते हैं, मतलब सकिंग पेस्ट होता है, उसके साथ कैटरपिलर यानी कि कुछ जगह पर इसको ईडर कहते हैं, कुछ जगह पर इल्ली कहते हैं, कुछ जगह पर लार्वा कहते हैं, और कुछ जमीन के अंदर भी कीड़े रहते हैं जो हमारे जो रूट्स होते हैं फसल के जो नीचे जाके वहां पर भी खराब करते हैं, ऐसे भी बहुत सारे कीटक होते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारा जो इंटैक्ट प्रोडक्ट है ये किसके ऊपर काम करता है, ये सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करता है। और जो अभी नया इंटैक्ट जो आपके हाथ में आएगा वो इसके अंदर कुछ एडवांस कुछ कंटेंट हमने डाले हुए हैं, है ना। तो यहां पर हमारा जो इंटैक्ट है ये अगर हम स्टार्टिंग से इस्तेमाल करते हैं एज अ प्रिवेंटिव, क्योंकि हमारे किसान भाई क्या करते हैं, हमारे किसान भाई छिड़काव कब करते हैं, जब उसको उसके आंखों को जब उसके खेत में पड़ता है, लेकिन तब तक वो जो कीटक होता है उसने ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान हमारे फसल को करके रखा रहता है, लेकिन हम एज अ स्टार्टिंग से एज अ प्रिवेंटिव करके अगर हम इंटैक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम यहाँ पर हमारे खेत में जो सकिंग पेस्ट आते हैं उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है ये काम करता है, मतलब क्या, ये पहले अंडों को खत्म करता है, ये अंडे जो पुराने जितने भी आपके खेत में अंडे होते हैं कीटक के उनको नष्ट करने का काम करता है। अगर अंडे ही नहीं रहेंगे तो उसमें से जो लार्वा है या कीटक है वो आएगा के बाहर, बिल्कुल नहीं आएगा। एंटी फीडर मतलब यानी कि अगर अंडे में से अगर कीटक बाहर भी आ गया तो वो आपके फसल को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अगर आपने इंटैक्ट का छिड़काव किया है तो, या फिर किसान ने इंटैक्ट का छिड़काव किया है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर के जो कंटेंट है वो उसको उस फसल के ऊपर अटैक करने ही नहीं देंगे या फिर खाने ही नहीं देंगे। उसके साथ ग्रोथ रिटार्डर मतलब वहां पर उसकी ग्रोथ जो है ये नहीं होने देगा। ये हमारा इंटैक्ट प्रोडक्ट किसकी, जो कीटक होते रस चूसक कीटक। अभी रस चूसक कीटक जो कौन से होते हैं, एफिड होता है, यानी कि आपने देखे होंगे आपकी भाषा में हरे मच्छर, हम मच्छर कहते हैं जिसे हरे मच्छर कहते हैं, सफेद मक्खी जो कि हमें सबसे ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है कॉटन के खेत में, सफेद मच्छी एफिड्स मक्खी, उसके साथ थ्रिप्स, इन सभी चीजों का सबसे माइट्स, ये सबसे ज्यादा जो होते हैं ये सकिंग पेस्ट हर एक
फसल के ऊपर ये कीटक आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या करते हैं, फसल में से जो रस होता है वो उसमें से सक करने का, वहां से उस सैप को जो है वो एब्सॉर्ब करने का काम जो है ये कीटक करते हैं। तो इसको मारने के लिए, इसको किल करने के लिए हमारे पास, हमने जो नया एंटाक्लार है उसके अंदर हमने एल्डिहाइड, केटोनाइज और तीन एकलॉइड्स, इस तरीके के ये जो कंटेंट है ये हमने नेचुरल तरीके से एक्सट्रैक्ट करके प्लांट से ही लिए हुए। मतलब ऐसे बहुत सारे सदाफुली आपको पता होगा, तो जो सदाफुली में से एकलॉइड्स करके जो एक कंटेंट होता है ये एक्सट्रैक्ट होता है। तो ये जितने भी कंटेंट्स है ये नेचुरल तरीके से हमने अलग अलग फसल में से एक्सट्रैक्ट करके हमारी जो इंटैक्ट है इसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से सकिंग पेस्ट के ऊपर ये इफेक्टिवली काम करेगा। तो यहाँ पर ये इको फ्रेंडली है, मतलब इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, इसके अंदर कोई भी केमिकल नहीं है। ये जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो सामने आपको पीपीटी में जो दिख रहे, ये सारे कंटेंट हमने अलग अलग वनस्पति से एक्सट्रैक्ट करके हमारे इंटैक्ट इस प्रोडक्ट में डाले हैं। इसका जो स्प्रे करने का तरीका कैसे है, इसको आप बायो 95 के साथ मिक्स करके डाल सकते हैं क्या, 100% डाल सकते हैं। इसका ml जो है वो 2 ml पर लीटर, यानी कि 15 लीटर के पंप में हम 30 ml हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये इंटैक्ट प्रोडक्ट जो है सकिंग पेस्ट के ऊपर काम करता है। अभी हम आते हैं डिसीज के ऊपर। अभी डिसीज किसकी वजह से होता है, डिसीज होता है एक तो बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से और फंगस की वजह से। तो अभी हमारे पास उसके लिए भी प्रोडक्ट है क्या, तो हमारे पास उसके लिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन और फंगल इन्फेक्शन जो हमारी फसल को होता है, यानी कि आप अगर देखते हैं कई बार हम फसल को सही पानी देते हैं, सही खाद देते हैं, सही टाइम पे सब छिड़काव करते हैं, लेकिन फसल जो है तो पीली हो जाती है, या फिर उसके ऊपर फफूंद का अटैक हो जाता है, या फिर उसकी जो जड़ होती है वो चिपचिपी हो जाती है, काली हो जाती है, पत्तों में काले काले स्पॉट आ जाते हैं और पीलापन जो है ये एक ही दिन में पूरे खेत में फैल जाता है। तो कभी ये वायरल की वजह से होता है, कभी बैक्टीरिया की वजह से होता है, कभी फंगस की वजह से होता है। लेकिन हमने ऐसा ये यूनिक प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसका नाम है रैपअप। अभी जो नया रैपअप आपके हाथ में आएगा, इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी का जबरदस्त इस्तेमाल किया है और नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जिसकी वजह से जो इफेक्टिवनेस है सिर्फ पहले फंगस के ऊपर रहता था, वो अभी बैक्टीरिया के ऊपर भी ये एंटी बैक्टीरियल भी काम करेगा। मतलब क्या, फंगस मतलब फफूंद। हम फफूंद नाशक लाते हैं मार्केट में से, बराबर, बहुत सारे अलग अलग फफूंद नाशक हम लाते हैं। जब जमीन के अंदर ज्यादा मॉइस्चर होता है, ज्यादा गीलापन होता है, तो हमारे किसान भाई जो होता है वो क्या करता है, अगर बारिश का मौसम ज्यादा हुआ तो हम क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं फफूंद नाशक। तो यहाँ पर जो है हमारा रैपअप जो प्रोडक्ट है, ये इसका जो वर्किंग है ये बहुत यूनिक है। हम जब इसका छिड़काव करते हैं तो क्या होता है, तो ये लगभग इसका जब हम छिड़काव करते हैं तो इसका लेयर जो है लगभग 21 दिन तक फसल के ऊपर रहता है, 21 डेज तक इसका लेयर हमारी फसल के ऊपर रहता है। अभी लेयर जो है, इसके अंदर का जो कंटेंट है ये क्या है, ये लेयर किस तरीके का है, ये एक तरीके का बैक्टीरियल एक्सट्रैक्ट है। मतलब जीवाणु का जब रिप्रोडक्शन होता है तो उसमें से कुछ एक्सट्रैक्ट आता है, वो एक्सट्रैक्ट इसके अंदर डाला है, जिसकी वजह से ये फंगस का जो ग्रोथ है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। यानी कि फंगस का जहां पर इंफेक्शन हुआ है उसको वहीं के वहीं दबा के रखेगा, या फिर उसको वहां पर फंगस की ग्रोथ नहीं होने देगा, बैक्टीरिया की ग्रोथ फसल के ऊपर नहीं होने देगा। मतलब एग्जांपल लेते हैं कि हमारी फसल है, हमारी फसल है, उसके ऊपर हमने छिड़काव कर दिया और हमारे आसपास के खेत में फंगस का अटैक हुआ, यानी कि फफूंद का अटैक हुआ या फिर बैक्टीरिया का अटैक हुआ, तो हमने अगर छिड़काव करके रखा है तो हमारे फसल के ऊपर इसका अटैक हुआ तो भी जो रैपअप है, यानी कि रैपअप मतलब क्या, वो रैपअप यानी कि हम जिस तरीके से हमारी जो पेपर होता है उसको लैमिनेशन करते हैं, उस तरीके का लैमिनेशन ये रैपअप प्रोडक्ट कर देगा, हमारी फसल को लैमिनेशन हो जाएगा और ये एक तरीके का आवरण हमारे
जो फसल है उसके ऊपर आ जाएगा, कवच आ जाएगा, जिसकी वजह से फंगस का अटैक हुआ तो भी वो फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, अगर अटैक हो चुका है कुछ जगह पर और वहां पर अगर छिड़काव कर दिया तो वो उसको पूरी तरीके से वो आवरण वही के वही खत्म कर देगा, उसको बाहर नहीं निकलने देगा, स्प्रेड अप नहीं होने देगा, ये रैपअप काम करता है। तो यहाँ पर हमारा रैपअप जो है इसका जो लेयर है लगभग 21 दिन तक रहता है। हम इसको जमीन में से भी दे सकते हैं क्या? कुछ जगह पर हम जमीन में से भी दे सकते हैं। अगर जो अदरक होती है, हल्दी होती है, उस फसल में हम इसको जमीन के अंदर से भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां पर फंगस का अटैक जो है ये बहुत ज्यादा मात्रा में फफूंद का अटैक जो है होता है। तो ये रैपअप जो है यूनिक प्रोडक्ट जो है यहाँ पर कंपनी ने बनाया हुआ है और ये सभी तरह के क्रॉप्स के ऊपर काम करता है। तो इस तरीके से ये रैपअप प्रोडक्ट हमारा काम करता है और जो है यहाँ पर 5 ml/L के हिसाब से हम यहाँ पर जो 5 ml है ये ज्यादा है, लेकिन 2 से 3 ml भी हमने इसका इस्तेमाल किया तो भी जबरदस्त तरीके से ग्रोथ यहाँ पर हमारा जो फंगस है उसको पूरी तरीके से रोकने का काम यहाँ पर करेगा। तो क्या हमारे बहुत सारे लोगों ने मुझे एक क्वेश्चन पूछा था या फिर पूछते हैं कि सर अगर हमने इसका अगर इसको लेयरिंग कर दिया, अगर छिड़काव कर दिया और इसका कोटिंग हो गया तो फिर ये तो फसल सूख दे जाएगी, इसका फोटोसिंथेसिस होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है, इसका फोटोसिंथेसिस भी होगा और इसका जो क्या बोलते हैं उसकी जो भी कंडीशन है फसल की वो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया हुआ है। इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है फंगस और बैक्टीरिया को रोकने के लिए। कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि सर ये वायरस को भी कंट्रोल करेगा क्या? कुछ जगह पर इसके रिजल्ट वायरस कंट्रोल करने के लिए भी मिले, लेकिन हम इसको गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि इसको वायरस भी कंट्रोल करेगा एज अ ऑफिशियल। कुछ लोगों ने इससे वायरस भी कंट्रोल किया हुआ है। तो इस तरीके से हमारा ये प्रोडक्ट है, ये हमारा जो है ये रैपअप प्रोडक्ट। उसके बाद एक नया प्रोडक्ट जो अभी तक आपके हाथ में नहीं आया है जिसका नाम है एनकाउंटर। ये सभी प्रोडक्ट जो थे ये अलग प्रोडक्ट है और ये जो प्रोडक्ट है ये अलग काम करता है, ठीक है। अभी एनकाउंटर प्रोडक्ट का बहुत दिनों से मार्केट में डिमांड है, क्योंकि एनकाउंटर मतलब क्या? वीड डिस्ट्रॉयर जिसे हम कहते हैं या फिर हम जिसे चारा मार कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने हमें पूछा था कि ये कब तक आएगा, तो आने वाले समय में आपके मैनेजर से आपको अपडेट कर देंगे कि ये कब तक आपके हाथ में आ जाएगा। लेकिन उसके पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आपको अभी से देके रखता हूं कि एग्जैक्टली ये एनकाउंटर है क्या, ये किसका एनकाउंटर करता है, ठीक है। ये एनकाउंटर करता है हमारे खेत में जो चारा उगता है उसका, यानी कि हमारी फसल, हम जब खेत में जब हमारा किसान भाई जब बोनी करता है फसल तो होती है, लेकिन फसल के साथ अनवांटेड कुछ चीजें रहती है जिसे हम कहते हैं घास कहते हैं, गवत कहते हैं, हम उसे चारा कहते हैं, जो हमारी फसल के साथ साथ उगता है। अभी उसको हमारे जो किसान भाई है उसको किस तरीके से निकालते हैं? एक तो मजदूर लगा के निकालते हैं या फिर उसके ऊपर केमिकल का, जो केमिकल मार्केट में बहुत सारे केमिकल तननाशक है उसी के साथ हर्बिसाइड से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं, चारा मार दवा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये जो हर्बिसाइड है मार्केट के और ये जो चारा मार दवा है ये हमारी जमीन को एक बहुत केमिकल वाले बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि हमारे जमीन के अंदर जितने भी अच्छे अच्छे मित्र कीटक हैं, हमारे जमीन के माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट सब खत्म कर देते हैं और इसका साइड इफेक्ट भी बहुत बड़ी मात्रा में हो रहा है। यानी कि इसका मार्केट तो बहुत बड़ा है लेकिन इसका साइड इफेक्ट बहुत बड़ा है। किसान को भी पता है कि इसका साइड इफेक्ट एक एक दो दो साल तक नहीं जाता है, इसके रेसिड्यू 3-4 साल तक रहते हैं हमारे खेत में, लेकिन हमारे किसान भाई मजदूर लगाने के बचे इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मजदूर ज्यादा मात्रा में लगते हैं। तो इसके लिए हमारे किसान भाई जो है ये इस तरीके के अलग अलग वीडिसाइड या फिर हर्बिसाइड, चारा मार दवा, तननाशक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेक्सप ये इंडिया की पहली कंपनी है कि जिसने 100% ऑर्गेनिक हर्बल एनकाउंटर नाम का वीड डिस्ट्रॉयर बनाया हुआ है और एक जबरदस्त ये तननाशक है,
चारामार है जो कि पूरी तरीके से जैविक ऑर्गेनिक है। इसका मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बता देता हूं कि ये काम कैसे करेगा, ये काम इस तरीके से करता है। ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग की स्लाइड में बताया कि कोई भी फसल चारा हो कोई भी हो, उसका खाना कैसे बनाती है, वो खाना बनाती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से, यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से। हमने कुछ नहीं किया है, हमने ऐसे जबरदस्त कंटेंट ढूंढ के लाया कि ये फोटोसिंथेसिस को ब्रेक कर देगा। मतलब जिस भी फसल के ऊपर ये गिरेगा, जिस भी चारे के ऊपर गिरेगा, उसका फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस बंद हो गया तो क्या होगा, ऑटोमेटिक जो है वो चारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इस तरीके के इसके पीछे का मैकेनिज्म है। ये केमिकल इसके अंदर नहीं है, पूरी तरीके से जैविक है। लेकिन ये कैसा है, नॉन सिलेक्टिव, मतलब ये देखेगा नहीं कि यह फसल है या चारा है या कुछ भी, जिसके ऊपर गिरेगा वो सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये एनकाउंटर, मतलब ये सामने ये नहीं देखेगा कि इसके साथ ये इसके सामने क्या है, जिस पे भी गिरेगा उसको ये खत्म करेगा। उसके साथ पोस्ट इमर्जेंस, मतलब क्या है, बहुत बार किसान कुछ केमिकल, कुछ फंगिस चारामार दवा ऐसी होती है कि जो सीजन स्टार्ट होने के पहले ही जमीन के अंदर डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, चारा उगता ही नहीं। ये ऐसा नहीं है, इसको फसल के ऊपर यानी कि चारा के ऊपर ही डालना पड़ेगा। मतलब क्या, चारा उगेगा फिर उसके ऊपर डालना पड़ेगा, मतलब पहले के पहले जमीन के ऊपर डाल दोगे और चारा नहीं उगेगा, ऐसा नहीं होगा। इसको चारे के ऊपर ही आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो हमारी जो फसल होती है, बीज के अंदर जो चारा उगता है उसके ऊपर आप अगर छिड़काव करोगे तो पूरी तरीके से वो चारे को ये खत्म करेगा नेचुरल तरीके से। एक जबरदस्त पहली बार मार्केट में हम ये एनकाउंटर प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं। मार्केट में ऐसा एनकाउंटर यानी कि वीड डिस्ट्रॉयर, जो हम जिसे चारामार दवा कहते हैं, जैविक चारामार दवा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप कितना भी मार्केट घूम लो, आने वाले समय में आपको ये मिल जाएगा। इसकी प्राइसिंग अभी तक तय नहीं हुई है। 20 से 30 ml पर लीटर आप इसको इस्तेमाल करना है। देखो इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल कहाँ पे होगा पता है, आम के बागों में, जहां जहां पर भी आप फल लगाते हैं वहां पे होगा, और जो कपास है उसमें इस्तेमाल होगा, गन्ने के खेत में इस्तेमाल होगा। इन फसलों में बहुत अच्छी तरीके से इसका इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर इन फसलों में तो बहुत जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल करके आप जैविक तरीके से चारा मार कर सकते हैं आपके खेत में। और ये मतलब रेनी सीजन में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका रिजल्ट मैंने खुद लिया हुआ है, और इसके कुछ रिजल्ट के जो फोटोज है ये हमने लिए हुए, जहां पर चारा जो है, यहाँ पर हमने चारे के ऊपर छिड़काव किया और ये लगभग 48 घंटे के अंदर इस चारे को पूरी तरीके से सुखा देता है, खत्म कर देता है। तो यहाँ पर आप डिफरेंस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो किस तरीके से जहां पर यह हरा गवत चारा था उसके ऊपर छिड़काव करके इसके रिजल्ट हमने लिए हुए। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट के रिजल्ट देखो, यहाँ पर जो फसल है ये फसल के बीच में, बीच के अंदर पहले ऐसा गवत था, पूरी घास थी, और इसके ऊपर छिड़काव किया तो उसके बाद इस तरीके का रिजल्ट हमें इस एनकाउंटर से मिले। मतलब इसका मार्केट बहुत बड़ा है क्या, बहुत बड़ा है, इसका मार्केट बहुत बड़ा है। आने वाले समय में ये मार्केट बहुत, जो ये प्रोडक्ट है इसका डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से यहाँ पर हमें रहने वाला है। जैसे ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होगा हमें पता है कि इसका डिमांड बहुत जबरदस्त तरीके से आने वाला है। तो ये हमारा ये प्रोडक्ट था, हमारा एनकाउंटर। उसके साथ अभी हमारा जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है बायोफिट का, जो पेट लोशन एनिमल केयर में आता है, जिस प्रोडक्ट को हमने फिर से कंटिन्यू किया है, फिर से हमने लॉन्च किया है। हमारे जो जानवर होते हैं, जो हमारे मतलब बहुत सारे किसान भाई जिनके पास बैल होती है, गाय होती है, भैंस होती है, उस मतलब बछड़े होते हैं, बकरे होते हैं, बकरी होती है, उसके ऊपर बहुत सारे कीटक का अटैक होता है। और ये जो कीटक होते हैं ये क्या करते हैं, ये कीटक जो होते हैं हमारे जो प्राणी होते हैं, जो भी हमारे गाय भैंस बैल है, उनका खून चूसने का काम करते हैं। मतलब आप उनको कितना भी अच्छी खिलाई कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर अगर इस कीटक का अटैक है, मक्खियों का अटैक है, तो ये क्या करते हैं, ये डायरेक्टली उस जानवर का खून चूसने का काम ये कीटक करते हैं।
जिसकी वजह से जो हमारे प्राणी है, जो भी हमारे पेट्स है, उनकी जो सेहत है वो अच्छी नहीं रह पाती, वो उनका जो पूरी तरीके से जो बॉडी है उसके ऊपर बहुत सारे अटैक इन कीटक का होता है, जिसकी वजह से हमारे जो जानवर है वो स्वास्थ्य नहीं रह पाते। और ये जो कीटक है ये एक जानवर से दूसरे जानवर पे भी जाते, जिसकी वजह से एक जानवर से दूसरे जानवर तक ये बीमारी पहुंचाने का काम भी एक कीटक करते हैं। तो मार्केट में बहुत सारी दवाइयां है इन कीटक को मारने के लिए, लेकिन ये सारी दवाइयां कैसी है, केमिकल की है। बहुत बार बहुत सारी जगह पर ये देखा गया है कि बैल को कीटक मारने की दवा लगाई जिसकी वजह से बैल मर गया, गाय मर गई, भैंस मर गई। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉइजन होता है। देखो ये पॉइजन की वजह से क्या हो जाता है, ये अगर बैल उसको अगर चाट लेता है, अगर उसके मुंह में चला जाता है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर वो बैल मर जाता है, गाय मर जाती है, भैंस मर जाती है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हमको देखने को मिलते हैं। लेकिन हमारे जो पेट लोशन जो प्रोडक्ट है उसके माध्यम से यहाँ पर जो हमने एक जबरदस्त हर्ब्स के माध्यम से एक जबरदस्त हर्ब्स का इस्तेमाल करके इस पेट लोशन प्रोडक्ट को बनाया हुआ है, 100% ऑर्गेनिक, 100% आयुर्वेदिक ये पेट लोशन है, जो कि हम हमारे गाय भैंस को इस्तेमाल करके यहाँ पर हमारे जो गाय भैंस बैल है उनको पूरी तरीके से कीटक मुक्त हम रख सकते हैं। ये पूरी तरीके से नॉन टॉक्सिक है, पूरी तरीके से केमिकल फ्री है। हमारा स्टैंडर्ड डोज है 10 लीटर पानी में 10 ml, 1 लीटर में 1 ml, इसके हिसाब से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से पहले आप गाय भैंस बैल को पहले धो लो, फिर उसके बाद उसको लगाओ, और लगाने के बाद 1 से 2 घंटा रहने दो, फिर उसके बाद उसको पूरी तरीके से धो लो। आपके बैल कीटक के ऊपर, भैंस के ऊपर जो भी कीटक है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पेट लोशन प्रोडक्ट था। उसी के साथ हमारा सबसे चहिदा प्रोडक्ट, हमारा ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो हमारे बायोफिट के अंदर एक अच्छा और अच्छा सेल होने वाला प्रोडक्ट, जो CFC+, हम जिसको बहुत बड़ी मात्रा में सेल करते हैं राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, इस प्रोडक्ट का बहुत बड़ी मात्रा में सेल होता है किसानों के पास। जितने भी गाय भैंस बैल घोड़ा बछड़ा बकरी है, पोल्ट्री है, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। देखो हम गुजरात के लोग को न्यूट्रिशन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से लोगों को बताते हैं, हेल्थ अवेयरनेस, यानी कि नेचुरल मोर प्रोडक्ट अगर सेल अगर सबसे ज्यादा कहीं होता है तो गुजरात में होता है। तो हम लोगों को न्यूट्रिशन बहुत अच्छी तरीके से सेल करते हैं, हमारे जो हेल्थ रिलेटेड है, यानी कि हम ये बताते हैं कि आपकी बॉडी के अंदर जो जो कमियां है वो पूरी तरीके से नेचुरल मोर के माध्यम से कंप्लीट हो जाती है। लेकिन वैसे ही हमारे जो बैल होता है, गाय होती है, भैंस होती है, उसका भी एक उसको भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, उसको भी विटामिन, प्रोटीन्स, एंजाइम, हर्ब्स, इन मिनरल्स, उसके साथ अलग अलग न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। तो ये जो न्यूट्रिशन होते हैं ये चारा के माध्यम से या फिर हम जो भी उसको खिला रहे हैं उसके माध्यम से वो पूरा नहीं होता है। तो हमारा जो ये CFC+ है इसके अंदर लगभग 28 तरीके के अलग अलग कंटेंट है। इसके अंदर आप अगर मार्केट में, अब आप हमारे गाय या भैंस का अगर दूध बढ़ाना है तो हम क्या करते हैं, हम मार्केट से कैल्शियम लेके आते हैं, और कैल्शियम हमारे किसान भाई क्या करते हैं, कैल्शियम खिलाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है वो गाय या भैंस का दूध जो है इंस्टेंटली बढ़ जाता है। लेकिन वो 1 या 2 साल तक बढ़ता है, 3रे साल के बाद वो गाय या भैंस दूध देना बंद कर देती है। क्यों? क्योंकि उसकी जो क्षमता है उससे उसके साथ खिलवाड़ किया जाता है इस केमिकल कैल्शियम के माध्यम से। लेकिन हमारा जो CFC प्रोडक्ट है इसके अंदर नेचुरल हर्ब्स है, नेचुरल प्रोडक्ट्स है, जिसकी वजह से उसका जो दूध है उसको किस तरीके से बढ़ाया जाता है, क्योंकि उसके अंदर नेचुरल तरीके से कंटेंट डाले हैं जो कि नेचुरल तरीके से उसका जो दूध बढ़ाने में काम करता है। इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन D3, विटामिन ई, शतावरी, मेथी, इस तरीके से नेचुरल कंटेंट इस प्रोडक्ट के अंदर डाले। उसी के साथ मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयोडीन, आयरन, जिंक, इस तरीके से कंटेंट इसके अंदर डाले।
आप किसी भी वेटरनरी डॉक्टर के पास चले जाओ, या फिर आप में से बहुत सारे लोग वेटरनरी डॉक्टर है, आपको पता है कि इस तरीके के कंटेंट एक ही जार में आपको नहीं मिलेंगे। उसी के साथ प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो जमीन को, सॉरी प्री और प्रोबायोटिक बैक्टीरिया जो हमारी गाय या भैंस को बहुत अच्छी तरीके से उसकी डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रखने का काम करती है। तो ये सीएफसी प्रोडक्ट हम हमारे गाय या भैंस को तो हम दे सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे गाय या भैंस का दूध 20 से 25 दिन के अंदर 1 से 2 लीटर तक कम से कम बढ़ता है। कितना कम से कम बता रहा हूं, ज्यादा तो मैंने बहुत सुना है 4 लीटर 5 लीटर तक भी दूध बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर 1 से 2 लीटर तो गारंटेड यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन जो है ये होता है। यहाँ पर जो डोसेज है ये 10 से 15 ग्राम, मतलब सुबह शाम मिलके दोनों मिलके, मतलब एक टाइम में 10 ग्राम खिलाओ या सुबह 5 ग्राम शाम को 5 ग्राम ऐसा भी आप खिला सकते हो। तो 10 ग्राम उसके पेट में आप खली के माध्यम से, उसके साथ आटे के माध्यम से आप उसको आपके गाय या भैंस को खिला सकते हैं, घोड़े को खिला सकते हैं, पोल्ट्री में आप इसको दे सकते हैं। पोल्ट्री फार्मिंग में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम होती है, एक होती है मोर्टिलिटी, यानी कि जो आप चूजे लाते हो, मतलब जो किसान जो होता है वो चूजे जो लाता है वो मर जाते जल्दी, मतलब सब 100 लाए तो उसमें से सिर्फ 70-80 बाकी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उनको सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिलता या फिर उनकी इम्यून सिस्टम उतनी स्ट्रांग नहीं होती। तो वहां पर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरा, जो बैच तैयार होता है वो लेट होता है, जिसकी वजह से उसका जो फूड कंजम्पशन रेशो होता है, FCR जिसे कहते हैं, वो ज्यादा हो जाता है। मतलब पोल्ट्री का पूरा जो गणित होता है ये फूड कंजम्पशन रेशो पे होता है, मतलब जितना ज्यादा फूड लगता है उतना ज्यादा वो जो है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कम होती जाती है। तो यहाँ पर जो बैच है वो कम से कम 4 से 5 दिन पहले ही कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से ये अगर हम पोल्ट्री में अगर उसके खाने के साथ, मतलब 1 टन फीड के साथ 250 ग्राम से 300 ग्राम मिक्स करके, हॉपर में मिक्स करके हम उसको दे सकते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आपके मैनेजर को पास में व्हाट्सएप कर दूंगा, वो वहां से आपको ये मिल जाएगी। तो पोल्ट्री में भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है जो कि ऑलरेडी मार्केट में पहुंच चुके हैं। उसके साथ अपकमिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो एक डीकम्पोजिंग करके एक प्रोडक्ट आ रहा है, डीकम्पोजर नाम का एक प्रोडक्ट है, जो कि हमारे खेत में बहुत सारा वेस्टेज होता है या फिर हमारे खेत में बहुत सारी ऐसी चीजें होती है कि जिनको हम जला देते हैं, या फिर हमारा गोबर खाद जो होता है उसको डीकम्पोज करने के लिए, खाद में कन्वर्ट करने के लिए नेटसब एक बैक्टीरियल कल्चर नाम का एक डीकम्पोस्टिंग नाम का एक प्रोडक्ट ला रहा है। अभी उसके ऊपर वर्कआउट हो रहा है, वो आने वाले समय में आपको मिलेगा, जिससे कि आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर एक गोबर का और थोड़ा चारे का पूरा तरीके से ये मिक्स किया हुआ ये आपको दिख रहा है सामने, और इसके ऊपर हमने इस कल्चर का, बायोफिट कल्चर का इस्तेमाल किया। उसके बाद ये पूरी तरीके से इसका जो कन्वर्जन ये चाय पत्ती जैसा हो चुका है, मतलब ये पूरी तरीके से खाद में कन्वर्ट हो गया है और इंस्टेंट खाद में इसका कन्वर्जन हो चुका है। तो एक जबरदस्त एक प्रोडक्ट आने वाले समय में हमें मिल रहा है। मतलब एग्जांपल लो कि आपके खेत में आपने एनकाउंटर प्रोडक्ट का इस्तेमाल किया जिससे चारा खत्म हो गया और उसके ऊपर आपने डीकम्पोजर या फिर कल्चर का स्प्रे कर दिया, तो वो उसको डायरेक्टली खाद में कन्वर्ट कर देगा। या फिर हम कई बार क्या होता है, गेहूं निकलने के बाद पूरी तरीके से उसको जलाना पड़ता है, तो वहां पर हम अगर इसका छिड़काव कर देंगे कल्चर का तो उसको पूरी तरीके से खाद में कन्वर्ट कर देगा। गन्ने के खेत में भी वैसे ही होता है, तो वहां पर भी हम केले के खेत में भी ये जो चीजें होती है उसको जलाना पड़ता है फसल निकलने के बाद, तो उसको हम उसके ऊपर अगर इसका छिड़काव करेंगे तो इसको पूरी तरीके से खाद में कन्वर्ट कर देगा। ऐसा कल्चर नाम का प्रोडक्ट आने वाले समय में आपको मिलेगा। उसी के साथ इंटक का ही एक दूसरा भाई अभी आ रहा है, बायो लार्विसाइड करके इसे हम कह सकते हैं। हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या हर बार हमें देखने को मिलती है कि हमारा इंटक प्रोडक्ट जो है ये इल्ली के ऊपर पूरी तरीके से असरदार नहीं है। असरदार है स्टार्टिंग के टाइम पे, अगर लार्वी टाइम पे अगर आप इंटक का इस्तेमाल करोगे तो ये इल्ली को, ईडर को भी खत्म कर देगा, लेकिन अगर ये बड़ी हो गई उस वक्त अगर
स्प्रे करोगे तो कोराजन से भी ये मरती नहीं, प्रोपेक से भी मरती नहीं। तो ये हमारे इंटाक जो है ये तो हर्बल है, ऑर्गेनिक, इससे तो नहीं मरेगी। लेकिन उसके लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट आने वाले समय में, हम इस जो इल्ली है स्पेशल इल्ली के लिए हम एक जबरदस्त नया बायो लार्विसाइड करके एक नया प्रोडक्ट जो है हम मार्केट में हम उतार रहे हैं। उसी के साथ एक्वाकल्चर जो फिशरी करते हैं उनके लिए एक जबरदस्त गुड न्यूज है कि हम उसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। एक्वाकल्चर के लिए, एक फिशरी के लिए एक जबरदस्त प्रोडक्ट ला रहे हैं, क्योंकि एक्वाकल्चर ये आने वाले समय में हमारे बहुत सारे, मतलब इंडिया में भी बहुत सारी जगह पर ऑलरेडी हो रहा है और उसके लिए बहुत सारी जगह पर अभी स्टार्ट भी हुआ है बहुत सारे स्टेट में। तो यहाँ पर हम एक्वाकल्चर के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक जबरदस्त प्रोडक्ट रेंज, हम ऐसे तीन नए प्रोडक्ट आने वाले समय में आपके पास आ जाएंगे, उसकी जानकारी आपको आपके मैनेजर के माध्यम से आपको मिल जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये बायोफिट प्रोडक्ट रेंज को यहाँ पर मैंने बताने की कोशिश यहाँ पर की है। तो मेरी ओर से मैंने प्रयास करने की कोशिश की कि आपको जानकारी दूं और यहाँ पर हम बायोफिट प्रोडक्ट रेंज जो है यहाँ पर हम खत्म करते और आपने और केविन सर और जो भी सेंट्रल वेस्ट के जितने भी मैनेजर्स हैं उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया बायोफिट प्रोडक्ट्स को यहाँ पर प्रेजेंट करने का। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद हूँ और आपके जो भी क्वेश्चन है वो आप आपके मैनेजर्स को चैट के माध्यम से आप बता सकते हैं। थैंक यू केविन सर।